For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में पार्ट वन की। इस पार्ट वन में हम लोगों ने जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात की थी। क्या है बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, आइए जरा फटाफट एक रिकैप कर ले। हम लोगों ने देखा था कि जब कोई बिजनेस करता है तो वो सिर्फ अकेला जो है वो जॉब नहीं पाता है, बल्कि अपने साथ बहुत सारे लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। गवर्नमेंट के लिए, किसी भी देश के गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट फ्यू, क्योंकि कुछ जगहों पे आबादी ही बहुत कम है तो उनके लिए हर चीज पॉसिबल है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हम कितना भी ज्यादा जो है वो रिसोर्स क्रिएट करते हैं वो क्या कर पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। तो कहा कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। कहा इन ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकता है जब ज्यादा से ज्यादा तरह के हम एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस तैयार करें। और ऑप्शंस कब तैयार होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़ेंगे और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं जो है वो सीएस बन गया, मैं सीएस के काम पे लग जाता हूं, तो ऐसे केस में जो है वो उन्हें काम उन्हीं जगहों पे मिलेगा जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है। लेकिन आप सीएस बनने के बाद कहते हैं मैं अपना जो है एक फर्म एस्टैब्लिश करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो ऐसे केस में आप भी होंगे, आपके साथ दो चार और लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं आपने दो चार लोगों को क्या किया, दो चार लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ इतना फैसिलिटी लेकर के आएंगे कि हर कोई चाहेगा कि हम जॉब करने की जगह जॉब क्रिएट करें, यानी खुद का अपना जो है वो बिजनेस शुरू करें और साथ में लोगों को भी क्या करें, इन्वॉल्व करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी एस्पेक्ट को करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई खास तरह का मोटिवेशन होना चाहिए। और ये खास तरह का मोटिवेशन में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि किसी भी तरीके से वो जो है वो रिड्यूस होकर के या कन्वर्ट होकर के आ जाए मॉनेटरी में, किसमें, पैसे में। अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि जो भी एमएसएमई बनेगा या जो भी अपना जो है वो बिजनेस शुरू करेगा उनको हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने तरफ से प्रोवाइड करके देंगे, वो सोचेगा चलो अच्छी बात है, वहां तक बिजली पहुंचाएंगे हम, वहां तक पानी पहुंचाएंगे हम, वहां तक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी करेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको लोन चाहिए तो लोन हम दिलवाएंगे, बैंक कैसे नहीं देंगे, बैंक की ऐसी की तैसी। गवर्नमेंट कहता है हम बैंक को नोटिफिकेशन देंगे और आप तक वो क्या करेंगे, वो चीज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इंडिया से बाहर जाकर के चीजों को बेचना है, हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, हम आपके लिए एग्जीबिशन लगाएंगे। रामदीन कहता है हुजूर हमें जो है वो बांस की चीजें बनानी आती है, बांस के चीजों से जो है, बांस समझते बम्बू, उसके फ्लेक्स से हम टोकरी बनाते हैं और भी तरह के चीज बनाते हैं। हमें तो जो है वो सही तरीके से हिंदी बोलना नहीं आता है, हम जिस जगह पे हैं बस वो लोकल लैंग्वेज बोल पाते हैं, हम कहां से बाहर जाकर के क्या करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे। कहा कि क्यों भाई, क्या दिक्कत है। कहा एग्जीबिशन में जाएंगे तो मैं जो बोलूंगा वो ना समझेंगे और वो जो बोलेंगे वो तो मैं कभी ना समझूंगा, इवन मैं कभी कभी जो खुद बोलता हूं वो तो मैं ही नहीं समझता हूं, तो बाकी लोगों को क्या समझा पाऊंगा, राम दुलारी तक मेरी बात नहीं समझती है तो बाकी वाले क्या समझेंगे। तो ऐसे में कहा गया कि कोई बात नहीं, आपको अपना प्रोडक्ट तो बनाना आता है, आप अपने प्रोडक्ट को रखिए और आपके प्रोडक्ट को जो है हम बाहर पहुंचाएंगे और इन चीजों के बारे में हम जो है लोगों को बताएंगे। अगर कभी आपको मौका मिले तो जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगते हैं वो टीवी पे दिखलाए भी जाते हैं। वैसे डिपेंड करता है, आपके पास समय भी तो होना चाहिए, समय रहेगा तो उस समय में जो और मूवी, कौन सी एक मूवी अभी आई है, आदि पुरुष, और जो है वो और भी बहुत सारे जो है वो मूवी रिलीज होते हैं, उसको ना देखें कि हम क्या देखें, एग्जीबिशन जो कहां हो रहा है, इंडिया से बाहर, और वो भी ज्यादातर आता है दिल्ली दूरदर्शन पे, डीडी वगैरह पे आता है, मतलब एनडीटीवी वगैरह पे नहीं आएगा, ये ज्यादातर गवर्नमेंट के जगहों पे आता है। लेकिन देखना जरूर चाहिए क्योंकि उन्हीं जगहों पे आपका जो है वो सही में करियर है, आप वहां पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा उन जगहों पे जो बोल रहे होते हैं लोग कितने शानदार तरीके से, मतलब कहने का मतलब बस इतना हुआ कि एक मिट्टी को कैसे हीरा बनाया जाता है, ये रियली कम्युनिकेशन में है। चीजों को जब वो बता रहे होंगे तो देख के सुन करके और जो वहां पे एरोमा क्रिएट करते हैं, कोई एक चीज है, नाउ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट व्हिच इज प्रोड्यूस बाय द विलेजर्स ऑफ इंडिया फॉर द, ऐसे करके पिच और वो टोन रहेगा और उसमें जब उस चीज के बारे में बताएंगे, इट विल क्रिएट द प्रॉस्पेरिटी इन योर हाउस, ब्लेसिंग इन योर हाउस। अच्छा, घर में क्या आएगा, प्रोस्पेरिटी, गॉड का ब्लेसिंग, मैं तो इसे जरूर खरीदूंगा, आई लव बाइंग, ले ले, इसीलिए तो इतना क्या कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं।
इस तरह से एग्जीबिशन में आप देखते होंगे पेंटर वगैरह की पेंटिंग होती है, आर्टिस्ट की वो पेंटिंग जो हम और आप 5 रुपए में ना खरीदेंगे, वो पेंटिंग आपका जो है वो डॉलर में, लाखों डॉलर में सेल होता है। और जब अगर इंडिया में कीमत के तो करोड़ों रुपए में एक एक पेंटिंग जाती है। और पेंटिंग कैसी, बस उसके लिए एक ही तरीका है, सबसे पहला चीज आंख बंद रहना चाहिए और कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। ये क्या हो गया, जो ना आपके समझ में आए जो ना मेरे समझ में आए, वो हो गया मॉडर्न आर्ट। अब डिपेंड करता है कि इस चीज को क्या किया जाए, कैसे बताया जाए। देखिए मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या बन गया, लेकिन अब बन गया तो मैं भी इस पे कुछ बोल सकता हूं। ये डिपेंड करता है बोल कितना अच्छा सकते उसी के आप कमाते हैं। अब इसमें दिख रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, दिस जी इज द सिंबल ऑफ गॉड। इफ यू आर पुटिंग इट इन योर हाउस, द गॉड इज अराइविंग देयर। इफ यू आर ब्लेसिंग, यू विल ब्लेस्ड विथ अ बेबी चाइल्ड और अ फेरी एंजल्स, एंड डेफिनेटली योर ऑल ड्रीम्स आर गोइंग टू बी ट्रू। अब ऐसे करके वो इसको एक्यूमुलेट करेंगे, ऐसे करके जो है वो बोलेंगे, और इतना इसकी बड़ाई होगी मत पूछिए। अब डिपेंड करता है कि कैसे उसको, ये बताइए रामदीन का पप्पा जी भी कर पाएगा, इसके लिए एक्सपर्ट, तो इसके लिए कौन प्रयास करते हैं, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है जो बहुत ऊपर उठ गए हैं, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज है जहां पे वो एक से एक एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे, जो इस तरह से अपनी चीजों को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इंफोसिस अपने प्रदर्शनी के लिए जाते तो गवर्नमेंट के लोगों को लेकर के नहीं जाते, क्या करते हैं, अपने से हायर्ड लोगों को लेकर के जाते जो उनके प्रोडक्ट्स और चीजों सर्विसेज के बारे में क्या कर रहे होते, बता रहे होते। लेकिन इनके लिए कहा गया कि सबसे पहले आप इस माइक्रो स्मॉल और मीडियम इनके दायरे में आइए और देखिए हमने आपके लिए क्या किया हुआ है, तरह तरह की फैसिलिटी बनाई हुई है। और भी चीज है, अगर आप SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, वुमेन एंटरप्रेन्योर है, बिलो प्रोवर्टी लाइन में है, तो आपके साथ और जाती हुई है। जाती होने का मतलब है कि आप उतने जो है वो वेल ब्लेस्ड नहीं है, तो आपके लिए हम और स्कीम लेकर के आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो वेल ब्लेस्ड है उनको भी चीजों को प्रोवाइड करेंगे, जो वेल ब्लेस्ड नहीं है उनके लिए भी खास चीजों को क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। यही चीज तो था हमारा रिजर्वेशन, और क्या था हमारे देश में जो रिजर्वेशन है उसका यही तो मकसद है कि कहा गया कि जो लोग पहले से वेल ब्लेस्ड नहीं है उनके लिए अगर कुछ रिजर्व नहीं करेंगे तो उनका अगला जनरेशन भी इस कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। हम और आप अच्छा पढ़ लेते हैं, क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे घर के लोग पढ़ाई की अहमियत को समझते हैं। मेरे दादाजी जितना पढ़े थे उससे ज्यादा उन्होंने मेरे पापा को पढ़ाया, मेरे पापा जितने क्वालिफाइड थे उससे ज्यादा क्वालिफाइड मुझे बनाया। अब देखिए मेरा कोशिश अभी से कितनी बार आपसे शेयर भी करता रहता हूं कि बिटिया क्या पढ़ी, क्या उनका सेट बनाया, क्या कर रहे हैं, ये अभी से सोच रहे होते। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे लोगों का देश में डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले उन लोगों को सामने लाइए जिनका अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इसी चीज को ध्यान में रख के इन्होंने बनाया माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, और कहा कि अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं तो हम आपके लिए तरह तरह की फैसिलिटी लेकर के आएंगे, तरह तरह के क्या लेकर के आएंगे, स्कीम्स लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बैंक से लोन प्रोवाइड करने से लेकर के आपके लिए एग्जीबिशन इंडिया के बाहर लगाने से लेकर के और भी तरह तरह की चीज आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आपने सामान बेचा है और आपका पैसा समय पे नहीं मिला है, घबराइए नहीं, आपको उसके लिए अलग से टीम रखने की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए काम करेंगे। अगर आपको किसी से गिला शिकवा है तो आपको जो है वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और इंसान बन गया तारीख, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम अलग से मैकेनिज्म रखेंगे, जो आपको किसी भी तरह की अगर शिकायत है तो वहां पे आइए और वो आपको रिलीफ दिलाएंगे। मुझे बताइए अगर इतना सारा कुछ अगर अवेलेबल रहे तो कोई भी आदमी जिसमें थोड़ा सा भी इच्छा हो कि क्यों ना मैं इससे अच्छा अपना बिजनेस ही कर लूं, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत करता हूं। और उस बिजनेस में कहा गया कि ये नहीं है कि वो CA हो, CSO और बहुत पढ़ा लिखा हो, कहा गया कोई बात नहीं है, आप जो है वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाते हैं, आप बहुत अच्छा ऊन काटा से जो सिलाई हो, क्या बोलते बिनाई करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कहा गया उन सबके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एवेन्यूज ओपन कर रहे हैं, यानी कि रास्ता बना रहे हैं। तो यहां हमने सबसे पहले देखा था कि किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे और किसको क्या बोलेंगे। तो पहले तो इस कैटेगरी में आप आइए, फिर जो चीज माइक्रो के लिए वो आपको मिलेगा, जो मीडियम के लिए वो आपको मिलेगा, जो स्मॉल के लिए है वो आपको मिलेगा। देखिएगा जब मैं आपको आज ही स्कीम बताऊंगा तो इनके लिए थोड़े कम स्कीम दिखेंगे, इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्कीम दिखेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि माइक्रो और स्मॉल सबसे जो है वो छोटे लेवल का है, इनके सपोर्ट के लिए कम लोग आते हैं,
मीडियम तो फिर भी धीरे धीरे बड़ा होता हुआ नहीं है, देखिए कितना 10 करोड़ से लेकर के कहां 50 करोड़, और टर्नओवर कहां 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ का टर्नओवर है। तो कहा माइक्रो एंटरप्राइज होने के लिए प्लांट मशीन, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो यानी प्रोडक्ट में हो, चाहे किसमें हो सर्विसेज में, कहा कि अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वैसे केस में जितने भी चीज आपके पास होंगे उसका नाम क्या होगा प्लांट एंड, और अगर आप सर्विस सेक्टर में तो जो भी आपने खर्चे किए इन चीजों में उसका नाम क्या होगा, और उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है और टर्नओवर मैक्सिमम कितना, तो आप क्या कहलाएंगे माइक्रो। यही चीज 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक हो तो, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक हो तो, यानी दोनों चीज होना चाहिए। अगर आपका जो है प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए लेकिन कहां तक हो तो आप क्या कहलाएंगे, और अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ तक हो तो आप कहलाएंगे मीडियम। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज आपका यहां 250 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो अब आप एमएसएमई नहीं है, आपको एमएसएमई का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मीडियम एंटरप्राइज नहीं हुए। फिर हम लोगों ने यहां पे जो है वो देखा था कि यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि इनके लिए एक बॉडी बनाए जिसका नाम क्या है नेशनल बोर्ड, और नेशनल बोर्ड ये देखेगा कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट में प्रमोशन में क्या रुकावट है, और अगर गवर्नमेंट ने कोई इनके लिए पॉलिसी बनाया है तो उस पॉलिसी का वो रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस पॉलिसी से रियली जो आप चाहते थे रिजल्ट वो रिजल्ट आपको मिला है या नहीं मिला है। मैं बार बार इन चीजों को रिवाइज इसलिए करा रहा हूं ध्यान से, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन रहा रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें यही जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बोल बोल करके मैं निकल रहा हूं, ये सारा कुछ उस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग एमएसएमई एक्ट। अब उसमें कोई एक चीज शॉर्ट नोट्स लिखने से नहीं होगा, यही जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या आगे किया, ये बेसिकली उसका क्या होगा आंसर होगा। यहां पे बोला कि इनके फंक्शंस हमने देखे, कहा कि इनमें जो है वो कौन कौन तरह की ये डेवलपमेंट कराएंगे, कहा कि हम अगर चाहते एमएसएमई का डेवलपमेंट कराना तो आप यहां पे जो भी इंप्लॉई है उसका डेवलपमेंट कराइए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराइए, मैनेजेरियल और एंटरप्रेन्योर स्किल उनको समझाइए, उनके मार्केटिंग में उनकी क्या कीजिए मदद कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी डेवलप कीजिए, साथ ही साथ एक खास सेक्टर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज यानी अगर जरूरत पड़े तो उनके लिए रॉ मटेरियल जैसा चीज और उनके फिनिश प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो भी चीज करना पड़े वो करने में मदद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कार बनाने वाली कंपनी ज्यादा ग्रो करे तो आपको देखना होगा कि टायर बनाने वाली कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं, पता चला कार बन के तैयार है टायर नहीं है। अगर आप कार बनाने में कंपनी का सही में चाहते हैं ग्रोथ हो तो आप देखिए उन चीजों को जो मार्केटिंग करते हैं जो उन्हें बेचते हैं उनका ग्रोथ के लिए आपने पॉलिसी बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, ताकि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो ही एमएसएमई का क्या होगा ग्रोथ होगा। और इन्हीं चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे चीज तब होंगे जब इन्हीं चीजों को करने के लिए हम अलग अलग तरह का क्या बनाएंगे स्कीम बनाएंगे, कोई स्कीम बनाएंगे उस स्कीम के तहत क्या देंगे उनको मार्केटिंग असिस्टेंट देंगे, कोई स्कीम बनाएंगे जिनसे उनको जो है फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, कोई स्कीम बनाएंगे जिनसे जो है वो उनके चीजों को इंडिया से बाहर पहुंचाएंगे। तो यही स्कीम अब हमें क्या करना रहेगा तरह तरह के स्कीम देखना रहेगा। इन्होंने कहा कि अगर आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं तो आप अपने आप को या तो उद्योग आधार के तहत या फिर एमएसएमई के तहत रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि आप रजिस्टर करेंगे तभी तो हमारे पास डेटाबेस आएगा, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि आप माइक्रो हैं स्मॉल हैं या क्या है मीडियम एंटरप्राइजेस है। कल के डेट में हमें कोई पॉलिसी बनाना है, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे पास स्मॉल एंटरप्राइजेस कितने हैं, हमारे पास माइक्रो एंटरप्राइजेस कितने हैं, क्योंकि मुझे जो है वो इस समय ज्यादा जो है वो पॉलिसी बनाना है स्मॉल के लिए, कहां से मैं डेटाबेस कलेक्ट करूं, उस समय मैं पूरे देश में पैदल निकलूं पैदल यात्रा करूं जैसे राहुल गांधी जी ने किया था, कोई कमेंट या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जैसे उन्होंने इंडिया जोड़ो अभियान चलाया था वैसे ही हम जो है वो निकले और हर गली में पूछते चले स्मॉल एंटरप्राइजेस कितना का है प्लांट मशीन में इन्वेस्टमेंट, क्या इससे हम पॉलिसी बना पाएंगे। और अगर हम कोई फंड एलोकेट करना चाहेंगे कोई बजट बनाना चाहेंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, कहा नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए इंफॉर्मेशन। आज आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग का जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, इतने लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ इस लेवल तक का एजुकेशन है, तभी ना पॉलिसी बनाते हैं कि हमें एजुकेशन को अच्छा करना है। आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किनके एजुकेशन को कितना अच्छा करना है, आपके पास पता ही नहीं है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है यानी कि लोगों की कमाई कितनी है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है,
तो आप कैसे उस चीज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास जो है वो इतने से कम पैसे हैं उन लोगों को हम मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे, या उनको इतना केजी चावल इतना केजी दाल जो है वो मुफ्त में देंगे, हर महीने देंगे। मुझे एक चीज बताइए, आपके पास कोई रिकॉर्ड है? तभी तो आप उतना केजी चावल और उतना केजी दाल खरीद करके लाइएगा अलग अलग जगहों से। कहा गया हर चीज के लिए पहले क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, डेटा चाहिए। ये डेटा तभी मिलेगा जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन का रास्ता बनाया और कहा कि अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो हम आपको क्या मानेंगे, एमएसएमई नहीं मानेंगे, करते रहो आप बिजनेस, हम आपको वो फैसिलिटी ही नहीं देंगे जो हम किसको देते हैं, एमएसएमई को। तो कहा कि आप एमएसएमई के तहत या उद्योग आधार के तहत अपने आप को क्या कराइए, रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाते वक्त आप उन्हें बताते हैं कि आप कितने तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे और कितने तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के जरिए आप एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते। याद है आपको, मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिखाया था एमएसएमई और उद्योग आधार का। क्या उसमें अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नहीं, आप हजारों प्रोडक्ट बनाते हैं, कहीं कोई लिमिट नहीं है। ऐड पे क्लिक करते जाइए और अपना जो है वो क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए प्रोडक्ट को। अब इससे होगा क्या, कल के डेट में अगर कोई भी ऐसा उन्होंने जो है वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं उनको ये बेनिफिट देंगे, क्या आपने अपने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है? अगर वो कह रहे हैं कि जो लोग जो है वो कोर सेक्टर में है, यानी कि नारियल के चीजों से प्रोडक्ट को बनाते हैं या जूट से चीजों को बनाते हैं, वो तो आपने डिटेल वहां दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो उसमें आपको भी पार्टिसिपेट कराएंगे और वो देखेंगे भी तो सही कि कितने ऐसे हमारे इंडस्ट्री, कितने ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीजों को बनाते हैं, जूट से रिलेटेड क्या करते हैं, चीजों को बनाते हैं। तभी अगर आपको वो सर्टिफिकेट याद हो तो उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ था कि मैं एलोपैथिक में हूं और होम्योपैथिक में हूं या आयुर्वेदिक में हूं, और अगर आयुर्वेदिक में हूं तो किस किस तरह का जो है वो प्रोडक्ट बनाता हूं। ठीक वैसे ही यहां पे है, अगर आप जूट में है तो अगला स्पेसिफिकेशन वो आपसे लेते हैं, जूट के कपड़े बनाते हैं, जूट से रस्सी बनाते हैं, जूट से बैग बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अगर आप नारियल से चीजों को बनाते हैं, नारियल के रेशे से, तो उससे क्या बनाते हैं, मैट बनाते हैं जो फुटमैट हमारा होता है वो बनाते हैं, या आप जो है उससे पर्दे या कर्टेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं। कहने का मतलब बस यही है कि इस रजिस्ट्रेशन के जरिए वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और तब उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और इन्हीं बेनिफिट्स को जब वो प्रोवाइड करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, किसी न किसी स्कीम के फॉर्म में करेंगे। और यहां उन्होंने कहा कि अगर आप सप्लायर के कैटेगरी में आते हैं तो गवर्नमेंट का जो टेंडर निकलेगा उसमें आपको हम क्या मौका देंगे, सप्लाई करने का। कहने का मतलब है आप एमएसएमई हैं, गवर्नमेंट को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, ब्रेड चाहिए, क्यों ब्रेड चाहिए, बैठ करके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर क्या ब्रेड और बटर खाएंगे इसीलिए मंगा रहे हैं? कहा नहीं, कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया वहां पे सप्लाई करना है या आर्मी को सप्लाई करना है तो मुफ्त में तो सप्लाई जाता नहीं है, और गवर्नमेंट बैठ करके तो ब्रेड और बटर नहीं बनाना शुरू करेगी। तो वो कहती है कि हम ब्रिटेनिया जैसी कंपनी को बुलाने से पहले हम किसको मौका देंगे, अगर कोई एमएसएमई है तो हम उसको क्या करेंगे, मौका देंगे। इन चीजों के लिए आपको सप्लायर और बाकी के कैटेगरी में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपका पैसा जो आपके ऊपर ड्यू है अगर वो तय समय के 15 दिनों के भीतर आप तक नहीं मिला तो हम यहाँ पे शाहरुख खान की तरह, मैं नहीं गवर्नमेंट कह रही कि मैं यहाँ शाहरुख खान की तरह बैठा हुआ हूं, मैं हूं ना, और आपको क्या करूंगा, आपके पैसे को रिकवर करके दिलाऊंगा, आपका कोई डिस्प्यूट है तो उसको क्या करूंगा, सॉल्व करके दिखलाऊंगा। और इन चीजों के लिए उन्होंने कहा कि हमने एक जो है वो कॉरपोरेशन बनाया है जिसका नाम दिया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो चलिए यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक में बताइए कोई गिला शिकवा दुख दर्द, पक्का बढ़े आगे। देखिए हमने एमएसएमई के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उद्योग आधार के तहत रजिस्ट्रेशन कराया, दोनों में से जिससे भी करवा लीजिए। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति एमएसएमई के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है या तो माइक्रो होगा या स्मॉल होगा या क्या होगा, मीडियम एंटरप्राइजेस होगा। जिन लोगों ने उद्योग आधार के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया उन लोगों को कहा कि इनमें से दो लोगों के लिए, किनके किनके लिए, माइक्रो और स्मॉल, इनको ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने कहा कि हमने एक अलग स्कीम बनाया है। कहा क्या स्कीम बनाया है, तो कहा कि देखिए हम बाकी एमएसएमई के जो फायदे हैं वो स्मॉल मीडियम और माइक्रो तीनों को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्मॉल और माइक्रो जो है उनको कुछ ज्यादा जो है हम प्रमोट करें। और जो आपको पता है ज्यादा प्रमोट करने की उसको जरूरत होती है जो उतने जो है वो कहिए खुद से कैपेबल नहीं है।
छोटे बच्चे जब चल रहे होते तो लोग फिंगर दे देते हैं, उससे भी छोटा बच्चा रहता है तो गोद में लेकर के लोग चलते हैं क्योंकि अभी वो चलने लायक नहीं हुआ, फिर चलना शुरू करता है फिंगर। अब अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 10 साल का बच्चा हो गया, तो वो मंजे में हाथ छोड़ करके चल सकता है या नहीं चल सकता है? और फिर हमारे आपके तरह बड़े हो गए, आपके तरह बड़े, मेरे तरह बूढ़े हो गए, आराम से चल रहे, उनकी कोई देखभाल करने की ज्यादा जरूरत, वो हमारे नॉर्मल कंपनी हो गए। तो इनका ध्यान इस समय है ज्यादा किन पे, माइक्रो और स्मॉल पे। और इन लोगों को कहा कि आपने अगर ले लिया है कौन सा रजिस्ट्रेशन, या तो एमएसएमई का लिया है या किसका लिया है, तो आप अपने आप को इस सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन पे आकर के क्या करें, रजिस्ट्रेशन करवा ले। किस पे? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पे आकर के रजिस्टर करवा ले, ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा डेटाबेस तैयार हो जाए। और वो एक्स्ट्रा डेटाबेस हमारा क्या हो, कहा कि ये हमारा जो एक्स्ट्रा डेटाबेस होगा वो एक्स्ट्रा डेटाबेस इस चीज का होगा कि आप क्या हैं, आप जो है वो स्मॉल या कौन सा एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज है, एमएसएमई में आपने रजिस्टर्ड किया, आपने उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन किया, तो इसका मतलब आप क्या है, एमएसएमई में से कोई एक है। हम थोड़ा और उसको फिल्टर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, थोड़ा और फिल्टर करना चाहते हैं कि इनमें से माइक्रो और स्मॉल में कौन कौन है। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों में से कोई अगर आप है तो कहां करके रजिस्टर करवा लीजिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। कुछ नहीं करना, पोर्टल पे आकर के आपको अपना एमएसएमई नंबर देना है जो आपको मिला है, या कौन सा नंबर, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो दीजिए, और उसी से आपका ये नंबर क्रिएट हो जाएगा। इसमें कहीं भी कोई फी आपको नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि आप ये खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक फैसिलिटी और है, हम इसके लिए बहुत सारे जो हैं वो सेंटर बनाए हुए हैं जहां पे आप करके आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आप आकर के जो है वो मैन्युअली भी कामों को कर सकते हैं। आपने दे दिया इंफॉर्मेशन, वो इंस्पेक्शन करेंगे कि सही में आप माइक्रो और स्मॉल है या नहीं। इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट, और हमारा क्या देखेंगे, टर्नओवर। अगर वाकई में वो हमारा स्मॉल और किस कैटेगरी में है, माइक्रो के कैटेगरी में है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एनएसआईसी का क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं स्कीम, देखिएगा उस स्कीम में लिखा रहेगा दिस स्कीम इज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल, तो इसका मतलब ये उन्हीं को मिलेगा जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन पे अपने आप को क्या किए हुए हैं, रजिस्टर। अगर कोई ऐसा है जिसमें माइक्रो स्मॉल नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सारे एमएसएमई के लिए है, तो उसमें किसको भी बेनिफिट मिलेगा, मीडियम को भी मिलेगा। और मीडियम आप हैं, इसके लिए आप बस एमएसएमई पे या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है तो सफिशियंट है, लेकिन माइक्रो और स्मॉल वाला बेनिफिट लेने के लिए आपको एमएसएमई पे भी रजिस्टर्ड होना होगा, और साथ ही साथ कहां होना होगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पे भी। क्लियर है ये बात, पूरा क्लियर? तो अब देखिए, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब तो देख लिया, एक ही चीज तो हमारा बचा हुआ है जिसपे हम इतना शोर मचा रहे हैं कि इनके लिए अलग अलग क्या बनाए हुए हैं। जरा देखें कि क्या ऐसा स्कीम है जिसपे हम इतना धूम मचाए हैं और ये पूरा का पूरा एक्ट बना दिया है, कुछ तो किया होगा, क्योंकि आपने बोला कि एमएसएमई एक्ट के तहत ढेर सारे बेनिफिट्स देते हैं ना, तो बेनिफिट्स स्कीम के फॉर्म में ही तो देंगे। तो देखिए जरा ये स्कीम कौन कौन से हैं। ये स्कीम जो है आपके यहां से शुरू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने लिखे हुए हैं, ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतने ही स्कीम नहीं है, स्कीम और भी है जिसमें से इतने स्कीम आपको जानना है। कितने स्कीम, ये 15 स्कीम। अब देखिए ये स्कीम जो होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्कीम जो होते हैं, इन स्कीम में कोई टेक्निकलिटी नहीं होती है, लेकिन मुझे जो है वो सबसे खतरनाक यही चीज लगता है। आप अगर इससे ज्यादा टेक्निकल चीज पढ़ते हैं, जब आप जो है वो पढ़ रहे होते सीएमएसएल ईबीसीएल हम लोग पढ़ते हैं, या और भी बहुत सारे एक्ट हमने पढ़ा है जिसमें इससे ज्यादा जो है वो टेक्निकलिटी है, लेकिन आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहां पे इसीलिए थोड़ी तकलीफ, मुझे तकलीफ होती है इस तरह के चीजों में, क्योंकि यहां पे थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है जो मैं हमेशा आपको मना करता हूं कि रटने की जरूरत नहीं है। और ये वैसा ही जगह है जहां पे चीजों को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अदरवाइज होगा क्या कि 15 स्कीम के 15 स्कीम पता तो होगा, लेकिन कौन सा जो है वो एमएसएमई संबंध है और कौन सा जो है वो प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है, पता चला इसका इसमें लिख रहे हैं, इसका इसमें लिख रहे हैं। आप कहेगा नहीं सर, हम आपके तरह नहीं है, हम बड़े होनहार हैं।
तो विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मेरा काम आपको जो है वो यहां वार्न करना था कि समझिएगा ढंग से, क्योंकि यहां पे बच्चे एक स्कीम का चीज दूसरे स्कीम में लिख देते हैं, खुश भी बहुत रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर पे टिक लगा के आते हैं, डबल डबल लिख दिया है ना वो क्वेश्चन, और तसल्ली से लिखा है। जब आते हैं तो तीन स्कीम पूछा गया था 5-5 मार्क्स के मान लीजिए, और उन सब में 0-0 आया, तीनों में बात पूरी लिखी हुई है, बस एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। तो इसीलिए यहां पे आपका काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर ध्यान से सुने रहिएगा तो कम से कम स्कीम थोड़ा आसानी से आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। लेकिन याद तो आप ही को रखना पड़ेगा कि ये वाला चीज किस स्कीम का क्या है, पार्ट है। तो अब अगला हमारा पड़ाव क्या है, इसी स्कीम को हमें क्या करना है, देखना है, समझना है। सबसे पहले हमारा जो स्कीम है इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अगर ये स्कीम मैं आपको जो है वो एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग दिखला दूं तो आपके पास जो भी है आप लुटाना शुरू कर देंगे, इतना खतरनाक तरीके से कि ये 4 पॉइंट निकालने में आपको 4 दिन लगेंगे। लेकिन यही काम बस एक टीचर का है कि आपके लिए उन्होंने इस चीज को 4 लाइन में निकाल दिया है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये पॉइंट में इसीलिए ताकि आपको रिटेन करने में थोड़ी क्या मिले, मदद मिले और आप उसको लिख सके। और खास तौर पे अगर कोई दो स्कीम को कोरिलेट करा दिया तो आपको थोड़ा क्या हो, आसानी हो। तीसरी बात, ये स्कीम आपका इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो है वो एमसीक्यू के 20 मार्क्स वाले जोन में है, तो ऐसे में वो हो सकता है आपसे क्या पूछ दे, एक स्कीम का कोई चीज लिख दे और 4 स्कीम का नाम दे दे। This facility is provided under which of the following scheme? आप समझ रहे हैं कितना कष्टदायक वो एक नंबर होगा। उसके लिए हमें सारे स्कीम का पार्ट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। लेकिन एक और छोटा सा डिस्क्लेमर, मेरे जैसा कोई बंदा होगा तो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि ये इंटेलेक्ट को टेस्ट करना नहीं हुआ, ये टेस्ट करना हो गया किस चीज को, कि कौन कितना रेटिफाई कर सकता है। हाँ, लेकिन इसके कुछ पार्ट हैं जो ओपन एंडेड में आता है कि आपने एमएसएमई के ओवरऑल चीजों को समझा है। खैर, हमें दोनों चीज देखना होगा। तो चलिए, इस स्कीम का नाम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रो, एक दो बार बोलिएगा ताकि कम से कम जो है वो क्या हो जाए, बोला हुआ तो रहे, कुछ तो ध्यान रहे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब इसमें मिल क्या रहा है, किनके लिए है, तो देखिए जब भी कोई स्कीम आप देखिए तो वो स्कीम कुछ प्रोवाइड करेगा। वो स्कीम किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये स्कीम सबके लिए है, क्या ये स्कीम जो ये इससे जो है थोड़ा सा हम अपने चीजों को फिल्टर कर सकते हैं, क्या ये स्कीम नए एंटरप्रेन्योर के लिए है जिसने अभी तक कोई बिजनेस नहीं शुरू किया है, क्या ये स्कीम जो है वो उनके लिए है जो ऑलरेडी जो है वो एंटरप्रेन्योर है, ऑलरेडी एमएसएमई बना चुके हैं, क्या ये स्कीम वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, क्या ये SC ST के लिए, क्या ये जनरल के लिए, क्या ये सिर्फ मैक्रो और स्मॉल के लिए, या ये मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी है, और तब देखेंगे कि उस स्कीम में क्या मिलता है। यही हर स्कीम का पार्ट है। तो कह रहे हैं कि ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड क्या कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस किनको, टू सेट अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, कहां पे, रूरल और अर्बन हो गया। इसका मतलब गांव में हो या शहर में हो, हर जगह अगर आप एमएसएमई जो है वो बनाने जा रहे हैं, यानी कि याद रखिए स्मॉल माइक्रो मीडियम सबके लिए, इनमें से कोई भी अगर आप बनाने जा रहे हैं किस एरिया में, रूरल या अर्बन एरिया में, बशर्ते आपकी उम्र कितनी साल हो, 18 साल से ज्यादा हो, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको इस स्कीम का फायदा हो सकता है। और स्कीम क्या प्रोवाइड कर रहा है, मार्केटिंग असिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब पैसे कहा, ठीक है, पैसे किस चीज के लिए चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए, आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया और मान लीजिए कि उस प्रोजेक्ट में जो है वो 1 करोड़ रुपया लगना है, पॉसिबल, अगर ये 1 करोड़ रुपया लगना है तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो कितना देना है, सिर्फ अगर आप किस कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है, तो आपको कितना देना है, बाकी 90% कौन दिलवाएंगे, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बैंक से दिलवाएंगे। बैंक ऐसे नहीं देगी, बैंक तो बोलती है कुछ गिरवी रखो तब पैसे देंगे, इन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला था जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पे अकाउंट खोलना है, बैंक ने अकाउंट खोला या नहीं खोला, ऐसे ही उन्होंने बैंक को बोला कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अगर आपके पास एमएसएमई आ रहे हैं
तो उस एमएसएमई के प्रोजेक्ट का 90% तक आप क्या करेंगे, लोन देंगे। ऑब्वियसली बात है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी चीज होगा वो आप लेंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यही चीज अगर जनरल कैटेगरी के अलावा हो सकता है, कोई कौन हो, एससी एसटी या ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली डिजेबल्ड बोलिए, या वुमेन हो, या एक्स सर्विसमैन जो आर्मी वगैरह में पहले काम करते थे और 15 साल और उसके बाद के बाद जो समय में उनको जॉब वहां नहीं करना रहता है उस केस में, और या हमारे कौन है एनईआर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से जो भी लोग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या ये एक स्पेसिफिक पर्सन का कैटेगरी है, ये जगह का कैटेगरी हुआ। जब आपने एससी एसटी बोला, आपने वुमन बोला तो हमें समझ में आया, आपने फिजिकली डिसेबल्ड पीपल बोला या फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल बोला तो भी हमें समझ में आया, एक्स सर्विसमैन समझ में आया। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अगर आपने बोला तो इसमें जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, 7-8 हमारे सिस्टर स्टेट आते हैं। अगर उनमें से कोई भी अगर आप जो है वो स्टेट में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वैसे केस में आपको सिर्फ कितना परसेंट देना है, 5%। अगर आप किसी और जगह हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कितना परसेंट, 10% आपके पॉकेट से, 90% बैंक देगा। और यहां पे जो है वो अगर ओबीसी या बाकी कैटेगरी में आ रहे हैं या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है तो आप 5% और 95% कौन देगा, बैंक देगा। यही आपका जो है ये स्कीम हुआ। अब मुझे बताइए क्या ये स्कीम बहुत खतरनाक चीज हुआ, नहीं। अभी पहला स्कीम पढ़ रहे हैं इसलिए खतरनाक नहीं है, जब अगला पढ़ेंगे तो क्या होगा कि किसमें ये बात बोला गया है। बात आपको पहले याद रख, देखिए दो स्टेज में चीजों को समझिए। पहला स्टेज जो है वो क्या समझिए, पहला स्टेज आप ये समझिए कि इसमें बात क्या बोली हुई है। और बार बार कह रहा हूं, चौधरी मत बनिएगा, साइकोलॉजिस्ट हूं इसलिए पता है, अगर दिमाग इधर उधर हिला रहा तो यकीन मानिए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नोट्स लेकर के बैठिएगा, सर पकड़े हुए रहिएगा कि क्या हो गया इस पूरे चैप्टर में, हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो आपके कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने से बाकियों का कुछ नहीं होने वाला है, आप दोबारा वैसे ही करके मुंह लटका के बैठे रहेंगे, एग्जाम में पूछा गया तो मार्क्स नहीं आएगा, यहाँ के टेस्ट से तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है क्योंकि वो आए नहीं आए इससे तो आप यूज टू हो गए हैं। तो इसलिए इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, चीजों को समझिए बहुत अच्छे से। साइकोलॉजिस्ट हूं इसलिए जान रहा हूं, 100% आप जो है वो बैठिएगा अटेंशन के साथ, तब आपको कितना समझ में आएगा बताता हूं, 80-90%। 100% कॉन्सेंट्रेशन से रहिएगा तो 90% तक आपके दिमाग में रहेगा, 90% तक। 100 की जगह आप 98% कॉन्सेंट्रेशन से, कितना, 98% कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपको जो है 70% समझ में आएगा, रिटेन कर पाए। अब देखिए जरा, वहां पे 2% की कमी हुई, यहां पे 30% की कमी हुई, इतना ज्यादा का चेंज आता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान, और आपने खुद देखा हुआ भी है, अगर आप किसी क्लास में बहुत अलर्ट होकर के सुने हैं तो घर में जाकर के सोचिएगा कि सब कुछ समझ में आया, और थोड़ा आपस में बातचीत करते रहिए, थोड़ा हालचाल पूछते रहिए, थोड़ा एक दूसरे का ख्याल रखते रहिए, थोड़ा किसी को लिख के बताते रहिए कि देख मैं अभी ये कहना चाह रही हूं, बोलूंगी तो सर समझ लेंगे। मैंने पहले ही बताया मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, आप जो है वो पलक ऊपर झपका के नीचे गिराएंगे, नीचे झुका के ऊपर आएंगे तो मैं बता दूंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप किनको क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला इस चीज को कहां रख करके आता हूं, बाहर, क्योंकि ये मेरा हाईली पेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कुछ एक्टिविटी देखता हूं तो आपको वार्न कर देता हूं क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा, तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप पूरे 100% के साथ है तो मैक्सिमम चीजों को समझ जाएंगे। देखिए अब ये इतने सारे स्कीम है, ये हमें एग्जाम में लिखना है या नहीं, पूछेगा या नहीं हमसे, आप दुखी रहें चाहे आप खुश रहें, टेक्निकल चीज भी आपको पढ़ना है और याद रखने वाला भी। अगर मैं आपकी मदद किस तरह से कर रहा हूं कि पहले ये समझ लीजिए कि स्कीम में क्या है, तो एक ही समस्या बचा रहेगा ना घर पे कि ये इसी स्कीम में था, बस इतना ही तो याद रखना पड़ेगा। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो कॉन्टेंट ही याद नहीं रहेगा। मैं इतना जरूर इस समय कर दूंगा कि सारा कॉन्टेंट आपके दिमाग में रहेगा, बस एक ही काम आपको घर जाकर के करना है कि वो सर ने जो बोला था ना कि वो 5% 10% 10% का फाइनेंशियल असिस्टेंस जनरल को और 10% जो है जनरल को अपने पॉकेट से लगाना है और 5% ओबीसी को लगाना है, फिजिकली हैंडीकैप को लगाना है, वुमेन को लगाना है, एससी एसटी को और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, बाकी 90% और 95% कौन देगा, बैंक देगा। ये एक स्कीम था और इस स्कीम में रूरल और अर्बन एरिया दोनों में से किसी भी एरिया में अगर कोई एंटरप्राइजेज हैं तो उनको ये मदद मिलेगी, और ये माइक्रो को भी मिलेगा, मीडियम को भी मिलेगा और स्मॉल को भी मिलेगा। बस
अब आपका काम रहेगा कि ये बात किसमें लिखा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, नहीं तो मैंने बोला ना जब बहुत सारे स्कीम को पढ़िएगा तो मिलना शुरू होगा। अब कह रहे आपने लोन दिला दिया, 10% आपने दिया, 90% गवर्नमेंट ने दिलाया, या 5% आपने दिया, 95% गवर्नमेंट ने दिला दिया। ठीक है, दिला दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके बाद फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत थोड़े से पैसे के लिए बहुत बड़ा सा पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। आप नए खिलाड़ी ही तो हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर, आपको भी ज्यादा एक्सपीरियंस कहां है, तभी तो एमएसएमई में रखा है कि आपकी मदद करेंगे। आपने एज्यूम किया था कि सब कुछ में जो है वो मान लीजिए कि 80 लाख रुपए खर्च होंगे, पॉसिबल? आप उतना अच्छा कैलकुलेशन नहीं कर पाए, अब आपको और 20 लाख की जरूरत पड़ी है, पॉसिबल? 80 लगा चुके हैं, चीज थोड़ा बचा हुआ रह गया। अगर ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे तो मुझे बताइए वो 80 लाख भी वेस्ट हुआ या नहीं हुआ? और ज्यादा दिन तक वो पड़ा रह जाएगा तो वो 80 लाख रुपए की देनदारी भी तो आपके ऊपर है, उसका भी तो आपको इंटरेस्ट और पेमेंट करना रहेगा। इस चीज को इन्होंने ध्यान रखा कि चूंकि ये नए एंटरप्रेन्योर है तो उनसे ऐसा मिस्टेक ज्यादा हो सकता है। जिन्होंने 10 बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है, वो जब अपने प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं और वो जब अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट टस से मस नहीं होता है, यानी कि उनका रिपोर्ट बिल्कुल सही बनता है कि इतने ही पैसे चाहिए, इसी तरह से चाहिए। लेकिन चूंकि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, सेकेंड लोन फॉर वॉट, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, कौन सा, यही आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था, इसी के तहत, या मुद्रा यूनिट्स के तहत, बहुत नाम आप सुनते होंगे मुद्रा यूनिट्स का भी, वही है आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट, जिसके तहत चाय का स्टॉल लगाने से लेकर के छोटे बड़े किसी भी काम के लिए आपको लोन दिलाया गया। लेकिन उसमें आप सुनते थे ना, बैंक ने बहुत रिवोल्ट किया था, बैंक ने बोला कि हम 90 दें और वो कितना दें, कहा गया कि इससे जो है सामने वाला मोटिवेटेड नहीं रहेगा, उसे लगेगा कि अपना कोई पैसा ही नहीं लगा हुआ है। बोला कि उस क्लास के लोगों के लिए 10% भी क्या है, बहुत है, यानी कि जहां 1 करोड़ में 10 लाख अपना निकाल दिया वो बहुत है, क्योंकि वो उतने वेल ब्लेस्ड लोग नहीं है। तो कहा कि उनके लिए क्या निकाला, सेकेंड लोन, और ये क्या है, अपग्रेड करने के लिए, एनहांस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ये एप्लीकेबल आपका किसके लिए है, सिर्फ उसी एमएसएमई के लिए जिसको ऑलरेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत या मुद्रा प्रोग्राम के तहत क्या मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो पहले इस प्रोग्राम के तहत लोन ले लीजिए, और ये आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके लिए है, जो ऑलरेडी लोन लिया हुआ था। क्या करेगा इससे, टू असिस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट्स, किस चीज के लिए, एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल स्टेट टू सक्सेसफुल और वेल परफॉर्मिंग यूनिट्स को। और ज्यादा आपको क्या कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, एक बार किया और आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपको करेंगे। द स्कीम इनेबल द एंटरप्रेन्योर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन सो एज टू मॉडर्नाइज द एग्जिस्टिंग यूनिट। बड़ा सिंपल सा चीज है, ये सारे लैंग्वेज जार्गन हो गए। मेन चीज हुआ, आपको पहले से लोन मिला हुआ है, हम आपको तभी लोन देंगे जब आपको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो प्रोग्राम के तहत लोन मिला हुआ था, आपने पैसे लगाए, बिजनेस शुरू की, सपोर्ट में और कुछ चाहिए ताकि इससे आप और अपने बिजनेस को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। पहले टेक्नोलॉजी छोटा लगाया था क्योंकि आपको खुद डर था, अब आपने बिजनेस करके देख लिया, सामान आपका बिकता है, आपने कहा अगर थोड़ा और अच्छा प्लांट मशीनरी ले आएंगे तो मार्केट में और छा जाएंगे। ये मदद करने को क्या है, तैयार है। जिनको पहले से नहीं मिला उनको कहते जाइए ना पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, क्या ले लीजिए, वहां से लोन ले लीजिए, फिर हम आपकी मदद करेंगे। क्लियर है दोनों, बढ़े आगे। अब देखिए आपके लिए क्या रहेगा, नाम याद करना, इतना ही तो काम रहेगा। चलिए, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर, अब यहां पे नाम से ही जरा पकड़ते जाइएगा, सुविधा होगी, किसके लिए है। अब आपको याद आया है NSIC रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया था, इसीलिए क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहां नहीं है, सिर्फ कहां पे है, MSME पे, तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसीलिए अपने डेटाबेस में उन्होंने इस चीज को डलवाया और तभी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये उन्हीं के लिए है जो या तो माइक्रो है या क्या है, कह रहे दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्जिस्टिंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। देखिए एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो ऑलरेडी है,
और एस्पायरिंग का मतलब जो बनना चाहते हैं, दोनों ही केस में। तो एस्पायरिंग का मतलब जो अभी अपना एंटरप्राइज नहीं लगाया है वो लगाना चाहता है, और एक वो है जो ऑलरेडी अपना एस्टैब्लिशमेंट लगाया हुआ है और भी कुछ पैसा चाहता है, क्या करने के लिए, और ग्रो करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इनकरेज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर टू वेंचर इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वो किन के लिए हो गया, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है तो उसको इनकरेज करेगा कि आप भी अपना बिजनेस शुरू कीजिए। बाय फैसिलिटेटिंग व्हाट, क्या फैसिलिटी दे रहा है, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट फॉर व्हाट, कोलैटरल फ्री या थर्ड पार्टी गारंटी फ्री लोन टू। जब भी कोई लोन लेने के लिए जाइएगा, कोई सामान बोलेगा गिरवी रखने, या फिर किसी बंदे का गारंटी दीजिए। अब कह रहे हैं कि इनकी गारंटी ना कोई दे रहा है ना इनके पास सामान है, ज्यादा प्लांट मशीनरी है कहां, वही तो चाहिए, आइडिया है, सामान चाहिए। तो कहा ऐसे केस में आप किस स्कीम के तहत आइए, आप आइए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन लोग आइए, जो नए हैं वो आइए, यानी जो बनना चाहते हैं माइक्रो या स्मॉल वो आइए, या जो ऑलरेडी क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत बार आपको बोला बहुत ध्यान से सुनने, अब मैं कुछ यहां पे पूछ रहा हूं, उसी से पता चलेगा आप कितना ध्यान से सुनते हैं और कितना आपका किडनी सही से काम कर रहा है। इसमें भी आपने देखा है कि कह रहे हैं कि हम जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, और किसको, यानी जो ऑलरेडी है और जो ऑलरेडी नहीं है, मतलब जो बनना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्या कहता है, तो मुझे एक बात बताएंगे, ये सेकेंड लोन फॉर अपग्रेडेशन और इसमें कोई रिलेशन है इस स्कीम में, और इस स्कीम में कोई रिलेशन है, इन तीनों स्कीम का इंटर रिलेशन क्या निकलता है, क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। अगर हम बात करें क्रेडिट गारंटी के तहत, तो ये कहते हैं कि या तो आप एग्जिस्टिंग हो या क्या हो, यानी आप अगर जो है बनना चाहते हैं या पहले से बने हुए हैं। हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, आपने पहले भी लोन ले रखा हो, हाँ या ना, अगर आप एग्जिस्टिंग है तो पहले भी लोन ले रखे होंगे। कहते हैं कि मुझे नहीं पता आपने किस स्कीम के तहत लोन लिया था, या आपने सिंपल बैंक से लोन लिया था, तो भी आपको हम स्कीम के तहत क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये कहता है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ तभी लोन प्रोवाइड करेंगे जब हमें बाकी स्कीम का नहीं पता कि बाकी स्कीम से आपने लोन लिया था या नहीं लिया था। बस इतना बताइए कि क्या आपने इस स्कीम के तहत लोन लिया था। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत लोन लिया था, तो हम आपको क्या करेंगे, सेकेंड लोन देंगे। ये कहता है मुझे नहीं पता आपने पहले से कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, मुझे नहीं पता कि आपने जो है वो ये लोन जो है वो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत लिया था या किसी और स्कीम के तहत लिया था। हम आपको इस स्कीम के तहत लोन देने को क्या है, तैयार है। अंतर समझ में आया। अगर कह रहे हैं कि किसी को अभी तक कोई लोन ही नहीं मिला था, तो अभी तक कोई लोन नहीं मिला था तो वो इस स्कीम से भी आ सकता है जिसका नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर, और वो कहता है नहीं मैं इस स्कीम से नहीं जाऊंगा क्योंकि ये स्कीम क्या बोलता है, कितना परसेंट मेरा, 10% और ये 90%, तो कहता है कि मैं इससे नहीं जाऊंगा, मैं सीधे यहां आऊंगा, मुझे पूरे पैसे दिला दो, और कैसे दिला दो, कोलेटरल फ्री दिला दो या गारंटी फ्री दिला दो। तो जो आपको सूट करता है वैसे कीजिए। आप एक से ज्यादा स्कीम को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया को देखते हुए। अगर मैं नया एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, तो बताइए क्या मैं इस स्कीम से जा सकता हूं, मैं एक नया एंटरप्रेन्योर हूं तो क्या मैं इस स्कीम से आ सकता हूं प्राइम मिनिस्टर, क्या मैं नया एंटरप्रेन्योर हूं तो इस स्कीम से आ सकता हूं। ठीक है, मैं एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हूं तो क्या मैं इस स्कीम से आ सकता हूं, इस स्कीम से बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम ने कहीं यह नहीं बोला है कि आप नए हैं या क्या है, पुराने हैं, आप इस स्कीम से आ सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग है तो आप इससे आ सकते हैं या नहीं, अगर आप एग्जिस्टिंग है तो इससे, वेरी गुड,
आ सकते हैं, बशर्ते आपने पहला लोन किससे लिया है। अगर हमने पहला लोन जो लिया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम से लिया है तो हमारे लिए और भी आगे स्कीम और भी आएगा, लेकिन फिलहाल ये स्कीम से तुम नहीं आ सकते। किस स्कीम से? सेकेंड लोन फॉर अपग्रेडेशन। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए अब यहां कह रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल, खुद देख लीजिए फिर क्या है, किसके लिए यह है? ये मीडियम के लिए नहीं है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें कह रहे हैं किसके लिए यह है? क्या ये एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए है? नए के लिए है? नो। इसका मतलब ये नए के लिए ये वाला, अब अंतर समझते जाना होगा तब आपको थोड़ा रिटेन ज्यादा रहेगा। ये दोनों के लिए है। कौन सा वाला? क्रेडिट गारंटी स्कीम नए के लिए भी है और, लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए। दिस स्कीम इज फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, एग्जिस्टेंस में तो आप है ही, हम चाहते हैं आप और सस्टेन करें, वैसे ही बने रहें या क्या करें, ग्रो करें, तो उसके लिए हम मदद करेंगे। लेकिन कैसे मदद करेंगे, क्या ऐसा करेंगे? तो कहा हम आपकी मदद करेंगे टू सेट अप कॉमन फैसिलिटी सेंटर। क्या बना करके हम आपकी मदद करेंगे? हम आपके लिए टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल का डिपो, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस का, इन चीजों को बना करके करेंगे। प्रमोशन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फॉर द क्लस्टर। कहा हम आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, आपको ट्रेनिंग चाहिए, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, जो है वो ट्रेनिंग चाहिए, रॉ मटेरियल आपको जो है वो डिपो चाहिए, किसके लिए, कहां पे रखिएगा, हम प्रोवाइड करेंगे। पैसे नहीं दे रहे हैं, रॉ मटेरियल कहां रखिएगा उसका इंतजाम करें, समहाउ पैसा ही तो दिया, इसके लिए आप जो है वो क्या करते, कहीं से लोन लेते, चीज बनाते, और हम यहां पे रॉ मटेरियल के लिए जो डिपो बना रहे हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से है, उसमें जो आपने सामान रखा है वो खराब ना हो, इसके लिए कब उस पर कौन सा पेस्टिसाइड छिड़का जाए, अगर वो उस नेचर का है, अगर वो लोहा वगैरह है तो हम इस तरह से रखेंगे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो ताकि उस पर जंग ना लगे, किस तरह का चीज है वो यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे सारा के सारे चीजों का। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो वेस्टेज आपके जो है वो फैक्ट्री वगैरह से निकलेंगे उसको क्या प्रोसेस करके आप बाहर निकाले। कहिएगा सर इसकी भी जरूरत है? हाँ जी, हमारे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत लिखा हुआ है कि कितने लेवल से ज्यादा का कोई भी सब्सटेंस जो है वो आप थ्रो नहीं कर सकते हैं पानी में या एयर में, तो उस केस में वो आपको बतलाएंगे कि ये वाला प्लांट मशीनरी अगर लगाएंगे या आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह से करेंगे तो वो कम जो है वो क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। आपने देखा है पुराने जमाने के जो गाड़ी हुआ करते थे क्या गंध मचा देते थे। अगर आपका जो है वो नॉर्मल पहले का जो है एक बस या कोई ट्रक गुजरे तो लगता था जैसे कि जो है वो धुआं का फवारा, लेकिन अभी के समय में देखिएगा बहुत सारे बसेस जो गवर्नमेंट के भी रहते हैं मतलब आवाज तक नहीं आता रहता। पहले तो बहुत दूर से 2 किलोमीटर दूर से लोग समझ जाते थे कि उस गांव से बस निकल चुका है और हमारे गांव के स्टैंड पे क्या है, पहुंचने ही वाला है, वो आवाज होती थी। अभी के समय में सही बोलिए तो कुछ गवर्नमेंट की भी बस है जो एकदम बगल से गुजर जाएगी, वो है ही इलेक्ट्रिक बस ही है और आवाज तक सुनाई नहीं देता है। तो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा चीज हम आपके लिए कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे चाहिए तो है ना, ये स्कीम देखिए ना यहाँ पे, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे स्कीम लीजिए। और क्या है, कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे करें जिससे आपका जो है वो वेस्टेज कम हो, कम टाइम में चीज क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ये हमारा क्या है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कीम ऑफ फंड फॉर व्हाट, रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। यहां पे कह रहे हैं ये फंड किसके लिए है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो कह रहे हैं वो आर्टिस्ट जो किस किस तरह के काम में है, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, देखिए बम्बू, हनी, कोर, खादी वर्ड तो सुने हैं, कोर का मतलब होता है नारियल का जो वो रेशा नहीं होता है उससे जो सामान बनते हैं वो इसी इंडस्ट्री में आता है, कोर में नारियल के जो ऊपर के पार्ट होते हैं, नारियल का ऊपर ये ग्रीन वाला नहीं जो आप पानी वाला पीते हैं वो नहीं, जो वो हाँ
जो थोड़ा बड़ा, हाँ, ब्राउन कलर का रेसा जैसा जिसमें निकलता है, तो उससे बहुत सारे चीज बनते हैं, कहा उसके बारे में यहां हम बात कर रहे हैं। हनी समझ रहे, बम्बू, बम्बू स्टिक हो गया, उससे जो टोकरी वगैरह बना, और भी बहुत चीज बनते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग से रिलेटेड, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट जैसे चीज। तो ये सब हमारे कौन से चीज हैं? कहा ये सारे ट्रेडिशनल क्या हैं, इंडस्ट्रीज हैं। कहा कि इनके लिए ये है, और जो इसमें जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, जो इसमें जुड़े हुए जो है वो आर्टिसंस हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास एक खास तरह का स्किल होता है, उनको कहते हैं आर्टिसंस। क्या बोलते हैं? द पर्सन हु इज हैविंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्किल रिलेटेड टू सम एस्पेक्ट, वो क्या कहलाता है? आर्टिसन। जिसमें बॉम्बू वाले अलग हो गए, नारियल से बनाने वाले का अलग स्किल हो सकता है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से बने हुए चीज कुछ लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं। कहा कि हम आपकी मदद करेंगे दो तरीके से, एक आपको हम हार्ड इन्वेस्टमेंट जो है, और एक है सॉफ्ट इंटरवेंशन। हार्ड इंटरवेंशन जो है का मतलब है कि जो आपका फिजिकल चीज हुआ, जैसे प्लांट, मशीनरी, मशीन, इक्विपमेंट, इसमें आपकी मदद करेंगे। यानी कि रॉ मटेरियल, बैंक्स, लेटेस्ट मशीनरी। इस बैंक्स का क्या मतलब है? और उस किस किसको करने के लिए? अच्छा, पहले जरा लेफ्ट साइड में देखिए, हार्ड इंटरवेंशन लिखा हुआ है, यानी फिजिकल नेचर का चीज। तो आपको रॉ मटेरियल में मदद करेंगे, समझ में आया? आपको जो है वो लेटेस्ट मशीनरी में मदद करेंगे, ये समझ में आया? ये बैंक में क्या समझ में आया? फाइनेंस नहीं, तब तो वो हार्ड में होगा। पानी के बैंक तो किनारा को बोलते हैं, बैंक ऑफ द रिवर। यहां बैंक का क्या मतलब है? ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, तब फिर क्या समझेंगे? यहां जो बैंक हुआ, इसका मतलब है जैसे बताया इन्होंने, खादी ग्राम उद्योग में कभी आप जाइएगा, खादी भंडार वगैरह में, तो वहां पे एक छोटा सा बैंक रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो खादी भंडार ही बोलते हैं उसको। खादी भंडार के जो भी सामान होंगे उसको खरीदने और बेचने से ही रिलेटेड काम को वो क्या करते रहते हैं? देखते रहते हैं। ऐसे ही हैंडलिंग हैंडीक्राफ्ट के लिए भी हम क्या बनाते हैं? बैंक। ये बैंक आरबीआई से गवर्न नहीं होते हैं, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं होते हैं, ये कैटेगरी इनका ग्रामीण बैंक से भी नीचे का होता है। ग्रामीण बैंक जो है वो गांव के लेवल पे बनता है। ये जो बैंक बनते हैं वो उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक उस एरिया के लिए बना कि खादी भंडार में जितने भी लोग काम करें उनकी सैलरी वहां से जाएगी। खादी भंडार आप लोगों ने देखा है कभी रूरल एरिया में? देखिएगा वहां पे कपड़े जो खादी के बने हुए रहेंगे, हालांकि उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है, उनका जो बैंक बना हुआ है वो बैंक कम लगेगा आपको, दुकान जैसा ज्यादा लगेगा। कुछ है ही नहीं, पैसे रहेंगे तब ना बैंक जैसा, कोई हर दिन पैसा निकालने आ रहा है, लेकिन कोशिश तो की गई है। सॉफ्ट इंटरवेंशन देखिए तो क्या है, इन स्किल डेवलपमेंट, सिंपल सा ही चीज दिख रहा है, मार्केट प्रमोशन इनिशिएटिव्स। इस बार प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल ये सब नहीं, बल्कि क्या कर रहे हैं? इन चीजों को बेचेंगे भी तो, बेचने के लिए कोई सामान नहीं चाहिए, बेचने वाले सामान के लिए पहले से रॉ मटेरियल और मशीन सब दे रहे हैं, यानी कि कच्चा सामान भी दे रहे हैं और तैयार करने के लिए क्या दे रहे हैं? प्लांट मशीनरी भी दे रहे हैं। अब चीजें बन गई है, बेचोगे कैसे? तो बुद्धि देते हैं, बताते हैं, लोग आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे, ट्रेंड करेंगे कि इस तरीके से आप अपने चीजों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और कहां कहां बेच सकते हैं। और क्या बोला? फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू कितना? 90% सेम चीज, और 95% कहां पे? अगर ये चीज कहां है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जम्मू कश्मीर में और हिल एरिया, जो भी आपका देहरादून वगैरह, मसूरी, ये सब वाला जो जगह है। ऑफ हार्ड इन्वेंशन कॉस्ट एंड एंटायर कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट, यानी कि आपका टोटल जो बजट है, प्लांट में लगे, मशीनरी में लगे, रॉ मटेरियल में लगे, चाहे अपना मार्केट प्रमोशन में लगे, उन सब का 90% तक यहां पे आपको क्या हो रहा है? मिल रहा है। और 95% यहां SC ST नहीं बोला है, याद रखिएगा, उन दोनों में अंतर है। यहां पे अगर आप थे प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत, तो यहां पे आपका SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्स, बस एक ही यहां पे है जो दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है?
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका मतलब ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये रीजन और प्लेस स्पेसिफिक है। तो बोला इन एरियाज में ज्यादा जो है वो ग्रोथ नहीं हुआ है, प्लस इन एरियाज में ट्रेडिशनल चीज बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पश्मीना का खास तरह का वो सॉल बनाते हैं, तो इसका मतलब उन्हीं जगहों पे कीजिए। साथ ही साथ आप देखिएगा हिल एरियाज में, क्योंकि वहां पे भेड़ इस चीज ज्यादा होते, तो ऊन के बहुत अच्छे अच्छे चीज बनते हैं, तो कहा कि उन चीजों को क्या करेंगे, डेवलप करना है। क्लियर है? तो यहां भी 90% और 95% वाली बात है, लेकिन सिर्फ किस चीज को ध्यान में रख करके, एरिया रीजन को ध्यान में रख करके, ना कि किसको, पर्सन को ध्यान में रख करके। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये देखिए एप्लीकेबल है किन के लिए, दोनों के लिए, चाहे आप नए एंटरप्रेन्योर हो चाहे क्या हो, पुराने एंटरप्रेन्योर हो। इट फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब तो सेम चीज, अवेयरनेस एंड मोटिवेशन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनमें से किनको, ये जनरल के लिए है ही नहीं, किसके लिए है, एससी एसटी वुमन डिफरेंटली एबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन, क्या ये ओबीसी के लिए है, ना ये जनरल के लिए है, ना किसके लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ये आपको जो है वो जितने भी तरह के चीज है कह रहे हैं कि स्पेशली किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, एग्रो बेस्ड, होजियरी, फूड एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कारपेट वीविंग, बेसिक एडवांस कार्पेंट्री, ग्लास एंड सिरेमिक। आप गौर से देखिएगा हमारे सोसाइटी में कुछ कुछ काम बहुत पहले से कुछ खास तरह के लोग करते आ रहे हैं, अब इसको लेकर के फिर जो है वो कहीं पे नारेबाजी नहीं करनी है, लेकिन है, ये हमारे सोसाइटी का बहुत पहले से स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके इन्होंने बनाया। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ज्यादातर जगहों पे आज के समय में तो थोड़ा अलग ही तरह का चेंज आ रहा है, नहीं तो पहले आप देखते होंगे कि ज्यादातर बार्बर की दुकान किस कम्युनिटी की होती थी, हिंदू या मुस्लिम। अब इसमें फिर इसलिए मैं बोला ताकि आपको चीज समझा सकूं, कहीं मेरा इरादा कुछ और नहीं है। तो कुछ काम को जो है वो करने के लिए कुछ खास तरह के लोगों में क्या था, कुछ एक्स्ट्रा स्किल था, तो वो ज्यादातर जो है वो काम जो आप देखिएगा दर्जी की दुकान, टेलर, आज भी आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो अब तो जब से आपका जो है NIIT और ये सब हो गया, तब से तो दुनिया कुछ अलग हो गया, नहीं तो पहले के समय में जो है वो ज्यादातर आपको टेलर जो है वो आपको मुस्लिम दिखेंगे, अगर आपने कभी गौर किया हो तो। ठीक वैसे ही कुछ खास तरह के काम को जो है वो अलग अलग तरह के क्या करते हैं, कम्युनिटी करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कारपेट वीविंग वगैरह, ज्यादातर ये काम जो है वो आपके एससी एसटी या वुमेन वगैरह करते आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, कहा गया कि ये मजबूरी में करते थे, ये जो है वो च्वाइस से नहीं करते थे, क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, वो काम नहीं कर सकते थे जो हम और आप नॉर्मली भाग दौड़ करके कर रहे हैं। तो वो अपने घर में जितना ज्यादा इसी तरह का काम, कुछ कारपेंट्री का थोड़ा काम हो गया, कुछ जो है वो आपका जो है वो कारपेट वीविंग का काम हो गया, ऐसे काम जो घर में रह करके क्या किया जा सके, कि पैर है नहीं, हाथ से जो काम कर सकते कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर जाकर के काम करेंगे तो बाहर जाने के लिए तो पैर होने चाहिए। आप देखिएगा यहाँ हम और आप पूरे तरह से स्वस्थ हैं, तब जो है वो अगर हमें कहीं और पहुंचना रहे तो कभी बारिश हुआ तो दिक्कत, कभी अगर मेट्रो छूट गया तो भागा भागी। इनके लिए कोई ऑफिस वगैरह इतना जो है वो सेक्रीफाइस करेगा या इतना ज्यादा उनके लिए क्या करेगा, रिलैक्सेशन देगा। तो इसलिए उन्होंने इन चीजों में कहा कि हमने क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया, इसमें कोई और नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये योजना जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किन के लिए, सिर्फ एससी एसटी वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनके लिए ये है, ताकि उनके पास भी रोजगार के क्या रहे, ऑप्शंस रहे। मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग टू एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर एंड देयर सुपरवाइजरी स्टाफ, कहा कि इसमें सुपरवाइजरी स्टाफ में अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसा चीज हो गया या एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, अगर आप इंडिया से बाहर चीजों को करना चाहते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आपको मटेरियल का कैसे रख रखाव किया जाए, तो इन लोगों को ये सारी चीजें ये बतलाते हैं। चाहे आप जो है लोगों को जो है वो क्या करना चाहे, मैनेज करना, आपको वो डेवलप करेंगे। आपके पास जो है वो मटेरियल के प्रोक्योरमेंट का तरीका नहीं है या उसको रखने का तरीका नहीं है तो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किनको, इन लोगों के लिए।
इन लोगों को ये सारा फैसिलिटी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग जैसा चीज भी हो गया और बहुत सारा चीज भी प्रोवाइड कराना हो गया। होजरी कहते हैं खास तरह का, ये जो है अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो गंजी जो हम लोग पहनते हैं बनियान, वो होजरी कपड़ा हुआ। हाँ, तो वो उस तरह के कपड़े को क्या बोलते हैं, होजियरी कहते हैं। जैसे आप लोग टी शर्ट भी जो पहनते हैं तो कुछ तरह के टी शर्ट जैसे व्हाइट कलर का, ये सब टी शर्ट जो पॉलिस्टर नहीं होगा, कॉटन भी नहीं होता है, बल्कि कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट। और बच्चे के ज्यादातर जो ड्रेसेस होते हैं छोटे बच्चे के, वो होजियरी का ही होता है। ट्राउजर वगैरह जो आप बहुत कंफर्टेबल वाला घर के लिए पहनते हैं, वो सब होजियरी कहलाता है। यानी एक तरह का क्या है, कपड़ा ही है होजियरी कपड़ा। और ये जो है वो वीविंग से होता है, वीविंग मतलब होता है बिनाई करना, और इन चीजों की हैंड वीविंग होती है, धागे से बनते हैं और धागे को बिना जाता है, इसीलिए जो है वो इस तरह के चीजों में जो है वो इन लोगों के बिनकर वगैरह बहुत पुराने, जिस तरह से आपका ऊन का सामान बिनाई होता है, उसी तरह से पतले थ्रेड से जो होजियरी चीज जो है वो बनता है। इसीलिए आप देखेंगे कभी अगर एक धागा हल्का सा अगर आ गया तो वो पूरा का पूरा जो है वो खराब हो जाता है, जब तक आप उसको, अगर आप उसको तोड़ना चाहेंगे तो पता चला और खुलता चला गया, तो जो है वो पता चला गंजी जो है वो शॉर्ट शर्ट में बदल जाएगा अगर उसको हम लोग खींचना शुरू कर दे। नहीं, मेरी बिटिया करती है, अगर जो है वो कहीं गलती से जो एक धागा पकड़ा गया, मजा आता है ना, और बिल्कुल आप धागा ऐसे ऐसे लपेटते जाइए और आपके हाथों में धागा रील की तरह आ जाएगा। लेकिन यही आप दूसरे कपड़ों में कीजिए तो ऐसा नहीं होगा, शर्ट में करना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। चलिए अब यहां पे कह रहे, ये हमने पढ़ा नहीं, एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है कि दिस स्कीम टारगेट टू क्रिएट व्हाट, स्ट्रेंथन व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत बनाना है, एंड असिस्टेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। दो चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे और क्या प्रोवाइड करेंगे, स्किल डेवलपमेंट भी। प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन क्या कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये इसमें दोनों नाम से होगा इसीलिए ऐसा किया हुआ है। ये नहीं, ESDP नहीं, इसका ये नहीं है, इसका नाम क्या है, फिर से बोल शॉर्ट में क्या है, Aspire है क्या, Aspire, इसमें से देखते हैं, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ वो गलती से जो है इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया है, एक साथ कॉपी पेस्ट हो गया हेडिंग, असिस्टेंस टू व्हाट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये प्रोग्राम बेसिकली जो है वो एमएसएमई को डायरेक्टली मदद नहीं कर रहा है, बल्कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए जो क्या बनाए गए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको बेसिकली जो है हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे एमएसएमई जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीज इंडिया से बाहर भेज पाए, इसके लिए आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, लेकिन उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी क्या होना चाहिए, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से चीजों को क्या कर सके, जान सके। तो ये जो हमारा असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग जो है क्या है इंस्टीट्यूशंस, इनके लिए क्या स्कीम बना, पहुंचाइए वहां पे, ये है, इसमें कह रहे हैं कि प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, किनके लिए, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत हमने बड़े सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किनकी मदद करता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। हम इस बार इन इंस्टीट्यूट का लगातार ग्रोथ होता रहे, वो भी अपने आप को अपडेट करते रहे और उनके पास स्किल्ड पीपल रहे, क्योंकि अगर वहां ही स्किल्ड पीपल नहीं रहेंगे, अगर वही प्रॉपरली स्किल्ड नहीं रहेंगे, तो ऐसे केस में वो भला किसी और को, यानी किसी और एमएसएमई को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स आप कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए सीएस आ रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस बात का ध्यान रखा है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं
जब आप आर्टिकलशिप के लिए आते हैं किसी सीएस के पास, तो वो सीएस आपको ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो सीएस खुद जो है वो अपडेटेड है या नहीं, इसको भी ध्यान में रखा जाए या नहीं। तो आपका ट्रेनिंग तो वो सीएस दे रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोगों के लिए भी जो है वो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और हमें उस प्रोग्राम के 20 आवर्स जो है वो क्या करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। हालांकि मैं उसमें एग्जम्प्टेड हूं, क्योंकि जो एकेडमिक में रहते हैं उनके लिए ऑलरेडी है कि वो इंस्टीट्यूट के बुक को लिखते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उन कुछ लोगों को एग्जम्प्शन, मतलब उनके वो 20 आवर मान लिए जाते हैं कि अगर आपने इंस्टीट्यूट का रिव्यू किया है, उनके लिए क्वेश्चन सेट किया है, उनके लिए गाइडलाइन आंसर दे रहे हैं, आप उनके स्टडी मैट में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूअसली किसमें हैं, ऑलरेडी आप अपडेट अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो लोग हैं जो जॉब में हैं, और मान लीजिए कि वो जॉब में जिस जगह पे, उस जगह हर दिन वाइंडिंग अप चल रहा होगा, तो उस कंपनी में वो क्या कर रहा है अगर वाइंडिंग अप चल रहा है, तो इसका मतलब शायद पूरे लाइफ में उसको वाइंडिंग अप देखने को ना मिले। उस जगह क्या हर दिन मर्जर अमलगमेशन हो रहा है? नहीं, बहुत सारी कंपनी अकेले है और अकेले ही बढ़े जा रही, ना किसी में मिल रही ना किसी को मिला रही है। तो उनका जो चेंजेस, सेबी के नए नए गाइडलाइन आ रहे हैं, कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी है तो सेबी के गाइडलाइन तो लिस्टेड कंपनी के लिए होते, तो आप तो लिस्टिंग का कंप्लायंस ही नहीं कर रहे होंगे, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी। तो ऐसे केस में वो धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगेंगे या नहीं? आप कहिएगा सर उससे क्या नुकसान होगा इंस्टीट्यूट को? इंस्टीट्यूट को नुकसान ये होगा कि अगर कल के डेट में आपका जॉब उस जगह से चला जाता है, जब आप अगले दिन जाइएगा किसी लिस्टेड कंपनी में, तो क्या आप काम के लायक रह जाएंगे? क्योंकि आपने तो उन चीज को अपडेट ही नहीं किया। इसलिए इंस्टीट्यूट ने कंपलसरी रखा हुआ है कि आपको 20 आवर्स का एक साल में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में पूरा करना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये रूल होता है, यानी हमारे ऊपर भी है कि हम अपने आप को लगातार क्या करते रहे, अपडेट। और इसमें एग्जम्पशन जो वो देते हैं उसके पीछे का लॉजिक भी आपने समझ लिया, इसीलिए एग्जम्पशन देते क्योंकि आप ऑलरेडी जब बुक वगैरह लिख रहे हैं, आप जो है वो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन आंसर में मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उन कंप्लायंसेस को या उन प्रोविजंस को पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ढेर सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाए, लेकिन जो बागर बिल्ले वहां पे हैं उनकी तो वो सरकारी नौकरी है नहीं है। और आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी अगर एक बार मिल गई तो अपने मन से कौन कितना अपने आप को मोटिवेट करके क्या करता है, अपडेट होता है। तो इसीलिए बोला कि हम उनको भी क्या करते रहेंगे, ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वही ट्रेनिंग किनको देने जाएंगे एमएसएमई में, कि ऐसे मार्केटिंग करो, ऐसे चीजों को वहां भेजो। खुद उन्हें नया चीज नहीं है पता कि आज के डेट में ऐसे सेमिनार लग रहे हैं। आइए, कोर विकास योजना, अम्ब्रेला स्कीम या स्किल अपग्रेडेशन एंड महिला कोर योजना, सेम है दोनों जगह, अगर कहीं अंतर है तो बता दीजिएगा। ये किनके लिए है? जो नए हैं वो भी और जो एग्जिस्टेंस है वो भी, लेकिन उसमें से कौन, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सबके लिए, किसके लिए, और दो चीज है इसमें, एक का दिस स्कीम प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये तो कहने वाला। अब देखिए टू किनको, लेकिन यहां पे ओनली लिखा हुआ है या इंक्लूडिंग, तो ये ओनली नहीं है बल्कि क्या है, इंक्लूडिंग इन रीजन्स प्रोसेसिंग व्हाट, कोकोनट हस्क। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे कोकोनट ज्यादा होगा उसी जगह पे इस काम को लोग ज्यादा कर पाएंगे। तो कोकोनट के वही जो मैंने बोला, जो नारियल के ऊपर के पोर्शन होते हैं, उससे जो जो सामान बनेगा, और उससे आपके एक से एक तरह के जो है वो, खास करके मैं भूल रहा हूं, आजकल तो बड़ा क्रेज चला हुआ है उसका, मैंने भी अपने घर में मंगाया था, मिट्टी में मिला करके उससे पौधे लगाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो ब्लॉक, हाँ ब्लॉक में मिलेगा, और उसको लाते हैं तोड़ करके, रात भर जो है वो बड़े से जो है वो पानी के कंटेनर में छोड़ देते हैं, और फिर वो जो है वो फूल जाता है, और उसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे मिट्टी को करते हैं। लेकिन गमले वगैरह में अगर कोई चीज लगाना हो तो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करके आपको जो है ये कोकोनट वाले जो है, इसका कुछ नाम है कोकोनट के पाउडर का, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अमेजोन वगैरह पे ये मिलता है 5 kg में, 1 kg में, इस तरीके से ये जो है वो ब्लॉक ब्लॉक में मिलेगा आपको। तो कहा गया कि ये बना, और ये आजकल काफी महंगा, 300-300 रुपए में आपके जो है इतने छोटे से जो है वो ब्लॉक आएंगे, 4 kg 5 kg का,
और आज के समय में इससे बहुत फायदा हो रहा है उन लोगों को जो इस तरह के बिजनेस में थे। पहले जो चीज फेंका जाता था वो आज के डेट में क्या बन चुका है, एक प्रोडक्ट बन चुका है। तो यहाँ पे कह रहे ट्रेनिंग टू द पर्सनल इन द कार्ड ऑफ सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन आर्टिसन इन फूड इंडस्ट्री, इनके लिए क्या करेंगे वर्कशॉप सेमिनार अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डेवलपिंग ऑफ कोर इंडस्ट्री। मतलब जो भी चीज है वो सब नारियल के उसी जो है वो छिलके या नारियल के उसी वेस्टेज के ही ऊपर जो है वो सारा का सारा बिजनेस क्या है टिका हुआ है। इसी में इनको क्या करेंगे हम एजुकेट करेंगे और इनको डेवलप करेंगे। कंडक्टिंग एक्सपोजर टू द रूरल आर्टिसन फॉर फॉर्मलाइजिंग द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टेक्नोलॉजी इन क्योर सेक्टर। जैसे मैंने आपको बोला कि आज के डेट में उसी का जो ब्लॉक बना करके मिलता है उन्हें नहीं पता क्या कोकोनट, नहीं बच्चे उसका कुछ नाम है मैं भूल रहा हूं, कोकोपीट। हाँ अब ठीक बोला, मेरे भी पेट में था मुंह पे नहीं आ रहा था, कोकोपीट। तो ये कोकोपीट जो होता है वो बनता ही बेसिकली जो है वो किससे, ये बनता ही है जो है ये कोकोनट के जो है वो किस चीज से। और आप देखिएगा जब उसको पानी में जो है वो दे दीजिएगा उसके बाद छुइएगा बिल्कुल आपको साफ दिखेगा कि ये नारियल के ही क्या है रेशे हैं। उसी को खास तरीके से प्रोसेस करके बनाया जाता है और हमारे लिए ये कहीं ना कहीं जो है वो सॉयल को क्या कर रहा है रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि मिट्टी हर जगह उतनी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप गमले में किसी चीज को लगाते हैं तो वहां पे ज्यादा जो है वो एब्जॉर्बिंग चीज होना चाहिए, अदरवाइज वहां दलदल सा हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा। क्योंकि जो चीज जमीन में रहता है वो तो नेचुरली जो है वो मिट्टी ही क्या कर ली, पूरे के पूरे एक्स्ट्रा पानी को अपने में खींच ली, पौधा जो है वो गलेगा नहीं। लेकिन अगर आप गमले में रखते हैं और अगर प्रॉपर जो है उसका एयरिंग नीचे नहीं हो रहा है तो वो पौधा खराब हो जाता है। लेकिन जो कोकोपीट में आप जो है वो लगाते हैं वो काफी एयरी होता है और इवन उसमें जो है वो अंकुरण बहुत जल्दी होता है। यानी कि अगर कोई छोटा पौधा देते हैं सीड्स वगैरह डालते हैं तो आप देखिएगा बहुत जल्दी उससे जो है वो क्या निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं जो बीज अगर आप डालते हैं। तो इसीलिए पहले लोग जो है वो कोकोपीट जैसे जो है वो चीजों में बीज डाल करके उसको जो थोड़ा बड़ा होने देते हैं, तब उसको फिर उखाड़ उखाड़ करके अपने गार्डन में, जिनके बड़े गार्डन भी होते हैं वो उस समय लगाते हैं। एनीवे तो ये जितने भी तरह के कोको मतलब कोकोनट के जो है हस्क से बनने वाला चीज है उन सारे चीज के लिए ये प्रोग्राम है। क्लियर है ये। प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट, नाम से ही क्या है प्रोक्यूरमेंट और किस चीज का सपोर्ट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब खरीदना और मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि कैसे उन चीजों को अगले जगह पे क्या किया जाए बेचा जाए। तो ये हमारी मदद करेंगे किस चीज में, न्यू मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजिंग पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन एमएसएमई एक्सपो हेल्ड अक्रॉस द कंट्री टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड एजुकेट द एमएसएमई अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ पैकिंग मार्केटिंग एंड लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्निक्स। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका पैकेजिंग उस क्लास का नहीं है तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके नहीं बिकते हैं। आप एमएसएमई के साथ देखिएगा कि बहुत अच्छे अच्छे सामान इनके बने होते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे दुकान भी जब लगा रहता है तो पेपर का एक टुकड़ा लेंगे उसमें चीजों को लपेट करके ऐसे देंगे जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, जैसे लोग नहीं मान लो कुछ भी लपेट करके कभी भी दे देती कि इसको रखे रहो काम आएगा। तो वैसे चीज वो बहुत अच्छा है लेकिन क्या किया, बस एमवी जो है वो कागज में ऐसे लपेटा और ऐसे ऐसे रस्सी से ऐसे करके बांध करके दे दिया। उन लोगों के पास गिफ्ट पैकिंग जैसा चीज नहीं और उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। यही आप देखिए आर्ची या किसी और जगह पे आप जाइए, एक छोटा सा चीज भी देगा उसका इतना अच्छा पैकेजिंग करके देगा कि आप पैक करने को क्या हो जाते हैं तैयार। इंडिया से बाहर इन चीजों का और भी ज्यादा क्रेज है, अब तो इंडिया में भी है, उनको पैकेजिंग बहुत अच्छा चाहिए, दिखना बहुत अच्छा चाहिए। तो कहा कि चलिए हम इसको क्या करते हैं, इनको एजुकेट करते हैं और इनको बताते हैं कि जो सामान आप दे रहे हैं उस सामान को किस तरह से कीजिए, इस तरह से पैकेजिंग कीजिए। और वो पैकेजिंग ही है आज के डेट में कोकोपीट वगैरह जब आपके घर पे पहुंचेगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि कोई जो है वो बहुत सुंदर सा जो है वो इतने बड़ा भीतर में क्या है नहीं पता, लेकिन पैकेजिंग वगैरह अच्छे से किया, तभी तो अमेजोन फ्लिपकार्ट वो सब इन चीजों की क्या कर रहे हैं डिलीवरी। मार्केटिंग एवेन्यू ही तो दिया, बनाने वाले यही लोग हैं, लेकिन सोचिए जरा इनके प्रोडक्ट भी अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट या और भी किसी जो है वो ई कॉमर्स चैनल से पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ या नहीं, या एमएसएमई के लिए जितना ये सोच रहे थे वो चीज पूरा हुआ या नहीं।
लेकिन और एक बात आती है, ये इंडिया से बाहर एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, ताकि एग्जीबिशन लगाने के लिए बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, ताकि आपको स्पेशल परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, हम आपके लिए चीजों का इंतजाम करेंगे। रामदीन अकेला तो जा नहीं सकता यूएसए, वो इतना सारा सामान लेकर के जाएगा, इसके लिए कोई से परमिशन नहीं देने वाला। और सामान क्या है, आपने जो है वो बांस के जो है वो टोकरी बनाया, छिट्टी बनाया, छोटा सा गमला बनाया, आपने फूल रखने वाला बनाया, तो जो आप बनाते वही लेकर के जाएंगे ना। जब ये लेकर के जाएंगे, कोई इनके सामान को सिक्योरिटी चेक से आगे गुजरने देगा नहीं। इनके लिए अलग से इंतजाम किया जाता है कार्गो प्लेन्स का, जहां पे सारे के सारे जो है वो जितने भी एग्जीबिशन के सामान हो वो जाते हैं। आप इमेजिन करेंगे, लठ तक इंडिया से बाहर जाता है, लाठी, और बहुत हाई डिमांड है इंडिया, लाठी, लठ बंबू का, और ये खास तरह के बनाए हुए लाठी होते हैं। और ये सब जो है अगर मान लीजिए लेकर के इतना पहुंच जाए, तो ऐसे ही एयरपोर्ट वाले डर जाएंगे कि ये क्या करके आया है, लठ लेकर के। और सुनिए, आप जो काटने वाला चीज नहीं होता है, क्या बोलते उसको, नहीं, जो जिससे हम लोग खेतों में काटते हैं, हसिया, ऐसे करके जो पकड़ा, और ऐसे करके गेहूं वगैरह को नहीं काटते हैं, धान, अच्छा हम लोग हसिया से सिर्फ हमारे तरफ यही बोलते हैं, ऐसे करके पकड़ा और ये इस तरह से बना हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे करके काटते चले जाते हैं। क्या मुझे बताइए, सिर्फ इंडिया में ही एग्रीकल्चर होता है क्या? हमारे यहां जिसको कुदाल बोलते हैं, उसको जो भी आप पुकारते हो, डंडा लगा रहता है बड़ा सा मिट्टी कोड़ने के लिए, तो वो चीज क्या इंडिया में ही यूज होगा या इंडिया से बाहर भी जरूरत होगा? ये सारे के सारे चीज एमएसएमई करते हैं, क्योंकि उसमें कम पैसे लगते बनाने में। लेकिन अगर इतना घराती और कुदाल लेकर के ऐसे एयरपोर्ट पे पहुंचे, कहां जाना है, यूएसए, अभी इतना अच्छा रिश्ता हो रहा है नहीं वहां पे वेलकम के लिए, सुन रहे होंगे ये सब, अच्छा तो वही कह रहा हूं कि ये सब चीज भी सुनना चाहिए। और ऐसे में यहां पे ये बोले कि वो गए हैं हम पीछे से, तो बोला हमें क्या हमला करने जाना है कि वो आगे गए और आप क्या करेंगे, पीछे से पहुंचेंगे। तो कहा इनके लिए हम क्या करेंगे, एग्जीबिशन और चीजों के लिए हम इंतजाम करेंगे और चीजों को पहुंचाएंगे। इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैकेजिंग का क्या बतलाएंगे, तरीका बतलाएंगे, जिससे सिर्फ इंडिया के बाहर ही नहीं, इंडिया में भी उनका चीज क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्रेड हो सके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसके तहत सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, फैसिलिटेटिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंसेस। यहां पे दोनों कॉन्फ्रेंसेस था, इंडिया में भी था और इंडिया से बाहर भी था, देखिए नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वगैरह। लेकिन यहां पे हमारा क्या है मकसद, इंडिया से बाहर इनके चीजों को पहुंचाना। और एक चीज और देखिए, प्रोवाइडिंग मार्केट इंटेलिजेंस, इनको क्या खुफिया खबर देंगे, तो मार्केट इंटेलिजेंस क्या हुआ, अगर सही बोलूं तो इंटेलिजेंस का जो मतलब है वही मतलब यहां भी है, वो चीज जो लोगों को ज्यादा ना पता उसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि यहां बम धमाका हो सकता है, यहां नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही चीज जो सबको पता नहीं हो, यही चीज ये कह रहे हैं कि देखिए ये इंटेलिजेंस की खबर, मार्केटिंग इंटेलिजेंस ये है कि यूएसए में या फलाने कंट्री में इस चीज की कमी आने वाली है। क्यों कमी आने वाली है, मान लीजिए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इस समय इन इन चीजों की स्कार्सिटी होगी, इनको पहले से चुगली कर दिया, पहले से इनको खबर दे दी कि आप क्या कीजिए, ये चीज ज्यादा बनाइए, कोई भी पैक प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं वो आप ज्यादा बनाइए। या अगर मान लीजिए कि किसी जगह पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आपको कहा जाएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को क्या कीजिए, आप ज्यादा बढ़ाइए। किसी जगह आप देखिएगा कि लोगों में जो है वो फैशन का ट्रेंड चेंज होता जाता है, जैसे हमारे यहां तो फिर भी थोड़ा सा जो है वो बचा हुआ है, बाहर जो है वो फैशन का कुछ ज्यादा ही बिगड़ा आलम है। और उस बिगड़े आलम में क्या होता है, उस बिगड़े आलम में अलग अलग तरह का फैशन है, कभी कभी उनका फैशन जो है वो चलता है फूल पत्ती से, वो अगर पहनेंगे तो सिर्फ क्या पहनेंगे, फूल पत्ती। कभी कभी उनके यहां फैशन चलता है कि वो जो है वो जूट धागा ये सब चीज से कुछ बना करके पहनेंगे। तो यहां पे इंटेलिजेंस का मतलब है कि उनको बताया ये जाता है कि आपके जूट जैसे चीज का क्या होने वाला है, ज्यादा जो है वो डिमांड होने वाला है, आपके जो है वो फूड प्रोडक्ट का ज्यादा क्या होने वाला है, डिमांड होने वाला है, तो वो उस चीज को क्या करेंगे, ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करेंगे।
रिम्बर्समेंट ऑफ वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? जब आप इंडिया से बाहर किसी चीज को भेजते हैं तो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। इंडिया के बाहर से किसी भी कंट्री से अगर इंडियन टेरिटरी में आता है तो क्या कहलाता है? इंपोर्ट। जब आप इंडिया के बाहर किसी चीज को भेजेंगे तो आपके जगह से उसको शिपयार्ड तक पहुंचना पड़ेगा, वहां से फिर उसमें फ्रेट लगेगा तब वो जाएगा, साथ ही साथ कस्टम पॉइंट पे उस पर ड्यूटी लगेगी। ये कहते हैं कोई बात नहीं है, आप सब लगा दिए, आपके जितने खर्चे आए, कल के डेट में जब आप उन चीजों को बेचते हैं तो वहां से फॉरेक्स आया, जब आपके पास वो फॉरेक्स आ जाता है तो वो तो गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट जब आपको रुपीज देने लगेगी तो बोलेगी कि जितने भी आपके पैसे लगे थे किस चीज में, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, ड्यूटी, वो सब हम आपको क्या करते हैं, वापस। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है पहले आप खर्च कीजिए, बाद में हम आपको पैसे दे देंगे। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि आप आइएगा, हम आपसे कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्जम्पशन। आप जहाज पे रखिए, जहाज पे किराया नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड एग्जम्पशन। रिम्बर्समेंट का मतलब है कि सारे खर्च आप अपना लिखते जाइए, लेकिन ये कब चुकाएंगे? जब आपको जो है वो चीज बिक जाती है। देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ एमएसएमई का भला नहीं कर रही, सबसे ज्यादा अपना कर रही है। फॉरेक्स आ रहा है हमारे पास, और आज के डेट में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और जितने भी ऐसे तरह के जो चीज है, उससे सबसे ज्यादा मधुबनी पेंटिंग हाई डिमांड में है इंडिया से बाहर। और ये मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत खास तरह का पेंटिंग होता है। जो लोग जो है वो बिहार और उस तरफ के इलाके से, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी एक जगह का नाम है, मधुबनी, दरभंगा या और भी जगह के लोग हैं जो इस तरह के पेंटिंग को बनाते हैं। आज के डेट में हर कोई ये पेंटिंग सीख रहा है और सीखने के बाद उसको बाहर भेज रहा है, क्योंकि उसका क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड। ये खबर आपको नहीं है, आप तो राम दीन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया, अपने काम में लगा हुआ है, उसको कहां पता है इन चीजों का, वो तो बस यही समय। अच्छा, एक और चीज, अगर कभी आपका मिथिला या उस तरह के एरिया से इंट्रैक्शन हुआ हो, वहां पे एक परंपरा होती है गौना की भी, उसे दुरागमन या सेकेंड मैरिज कहते हैं, गौना, सेकेंड मैरिज या दुरागमन। उसमें जब लड़की की विधिवत विदाई होती है तो उसके साथ साथ बड़े सारे चीज जो है, पिलो कवर वगैरह जाते, उसमें खास तरह का हाथ से काम किया जाता है, ये भी काफी ज्यादा डिमांड में है इंडिया से बाहर। देखिए, जो चीज वो लोग नहीं देखे वो उनके लिए क्या हो जाएगा, डिमांड की चीज हो जाएगी। उनके यहाँ कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा है कि जो है वो पिलो कवर के ऊपर में हाथ से जो है वो तरह तरह का जो है वो डिजाइन और नकाशी कर रहा है। चादर वगैरह जो होते हैं, जो आप देखेंगे बहुत रिच तरह के चादर, एक चादर पे सिर्फ मेहनत का 12-12, 15-15 हजार रुपया दे आर पेइंग। किसको? जो उस पे हाथों से चारों बगल धागा से काम करते हैं उन चीजों के लिए। तो ये चीजों का इंटेलिजेंस किसके पास? गवर्नमेंट के पास ही होगी। तो ये सारा कुछ प्रोवाइड करते किस स्कीम के तहत? इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम। फायदा गवर्नमेंट को भी हो रहा है और जो एमएसएमई है उनको भी। गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? फॉरेक्स आ रहा है हमारे पास, वो सबसे बड़ी बात है। हेल्पिंग एमएसएमई टू कंटिन्यूअसली अपडेट देमसेल्फ टू मीट द चैलेंजेस इमर्जिंग आउट द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंजिंग डिमांड और न्यू मार्केट। बिल्कुल वही चीज, अगर कोई भी तरह का चेंज आ रहा है तो वो भी बताएंगे कि भाई देखिए, पहले आप जिस तरह का जो कसीदाकारी करते थे वो बड़ा ट्रेडिशनल होता था, अब ये उसी में थोड़ा मॉडर्नाइज कर दीजिए। तो ठीक है, जो भी चीज आएगा उन्हें बिनाई ही तो करना है, उसमें क्या करेंगे, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन आएगा उस तरह से बिनाई करेंगे। नेशनल एससी और एसटी हर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये किन के लिए सिर्फ है। देखिए, एरिया और छोटा कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ चाहे वो कौन हो, एस्पायरिंग या चाहे जो नहीं बने हैं वो, चाहे जो पहले से एग्जिस्टेंस में है वो, लेकिन सिर्फ किन के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। क्या इसका पर्पस है? टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स। उनको क्या देंगे? प्रोफेशनल सपोर्ट का मतलब है कंसल्टेंसी देना कि कैसे आप जो है एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। रीजन ये है कि ये माना जा रहा है कि उनको उतना एक्सपोजर नहीं है। अब ऐसी बात नहीं कि एससी एसटी में आईएएस ऑफिसर नहीं है, एससी एसटी जो है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी जो है वो शायद वही है, हाँ, या वो ट्राइबल है बेसिकली, जो भी है। तो अब इसी में इतना मुझे डिमार्केशन एग्जैक्ट, बहुत थोड़ा थोड़ा डिमार्केशन है एससी एसटी ट्राइबल्स ऐसे करके।
लेकिन इससे पहले जो है वो लेडी ही थी जिनका लड़का वाला नाम था मीरा कुमार, कुछ याद है? स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार। चलिए, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट। तो जब वो ना पता ये भी ना पता तो जी किस लिए रहे हैं? तो मीरा कुमार फोन पे सर्च करके देखिएगा, मीरा कुमार पूरा का पूरा पेज जो है वो भर जाएगा कि क्या है, क्या क्या वो किए हुए हैं, हाईली क्वालिफाइड लेडी किस तरह से। एनीवे, तो यहां पे कह रहे हैं कि ये नेशनल क्या है, एससी एसटी हब स्कीम, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये नाम अच्छा दिया। अब ये क्या कहलाया? एस्पायर। अब ये जो एस्पायर कहलाया ये एक्रोनिम्स है, इसको ए एस पी आई आर ही आप नहीं कहेंगे, जैसे सेबी कहते हैं आप SEBI नहीं कहते हैं, लेकिन इसका मतलब है SBI को सभी नहीं कहेंगे, उसको क्या पुकारेंगे? SBI, जिसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू एनी एजेंसी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, और इंडस्ट्री एसोसिएशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो आपका एनजीओ है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी जिसको आप कहते हैं, जिसका काम क्या है? एग्जीक्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये एप्लीकेबल उन लोगों के लिए है जो खुद जो है वो क्या प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसा हमने वहां पे देखा था जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम था उसके तहत जो लोग थे, ठीक वैसे यहाँ पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह जो है वो डेवलप किया हुआ है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन है जो इस तरह की चीजें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू सेट अप ए नेटवर्क ऑफ लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर predominantly in which rural and under served area, यानी कि पिछड़े एरिया में या जो है वो कहिए रूरल एरिया में, वहां पे जाकर के क्या खोलना? इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वहां से ये वर्ड लिया गया, तो बहुत सारे बच्चे के बहुत सारे पार्ट्स डेवलप नहीं होते हैं बर्थ के समय, तो उनको एक खास मशीन में रखा जाता है, उस मशीन को इनक्यूबेटर बोलते हैं, और जहां पे ऐसे बहुत सारे मशीन होते हैं उसको इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं। यानी कि उतने छोटे बच्चे को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ठीक वैसे ही उसको कोरिलेट कैसे कर रहे हैं कि एकदम बिगनिंग स्टेज में है, आप रूरल या अंडर सर्व्ड एरिया में है, यानी कि वैसा एरिया जो बहुत पिछड़ा एरिया जहां लोगों के पास जानकारी नहीं है, वहां पे जो है वो सेंटर खोले जाएंगे, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के हर तरह की चीज में आपकी मदद करेंगे। जरा सोचिए, अगर एरिया रूरल एरिया है, वहां पे लोगों को चीजें नहीं पता है, वहां पे तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है और उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह खो जाता है तो उसके लिए भी लोग काफी पैसा चार्ज करते हैं। अगर उसमें कहते हैं ना अंधों के बीच में काना राजा, अगर कहीं कोई एक पढ़ा लिखा है तो बोलेगा अच्छा ये काम करना है, एफिडेविट बनवाना है, यही उसका काम है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है किसी का एफिडेविट बनवा के ला दिया, बच्चे का नेम का स्पेलिंग गलत हो गया सर्टिफिकेट में, ये करवा के ला देगा, और लोगों से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। वहां पे एमएसएमई के तहत आपको जो है वो उद्योग आधार, एमएसएमई, एनएसआईसी, ये सब सर्टिफिकेशन चाहिए, पैन चाहिए, जीएसटीआईएन चाहिए, काम कर लीजिएगा। क्या इतना सारा चीज खुद कर पाइएगा? तो उन्होंने बोला इसके लिए हम क्या खोलेंगे, इंक्यूबेशन, लेकिन स्पेशली किस एरिया में, रूरल एरिया में, और जो ज्यादा जो है वो आपका डेवलप्ड एरिया नहीं है उसी को जो है वो अंडर सर्व्ड एरिया कहते हैं। टू प्रमोट व्हाट, इनोवेशन एंड एक्सिलरेट एंटरप्रेन्योरशिप बाय एम्पावरिंग द बेनिफिशियल इन क्रिएशन ऑफ व्हाट, फॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी कि एंटरप्राइज तो तभी बना पाएगा जब क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएगा, या एग्रो रूरल सेक्टर, जब भी आपका रूरल एरिया में है तो ज्यादा इन्हीं चीजों को क्या करना रहेगा, प्रमोट करना रहेगा। इरादा क्या है, जो रूरल एरिया है या जो पिछड़ा एरिया है वहां पे एक ऐसा सेंटर खोलना जो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के हर तरह के चीज में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा, चाहे आपको पैन या रजिस्ट्रेशन कराना रहे इसमें भी मदद करेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट,
सबऑर्डिनेट डेट। आपने जो है वो पहले किसी से जो है वो कर्ज लिया, पॉसिबल, कर्ज की रकम आप समय पे नहीं चुका पा रहे हैं। अगर लगातार 90 दिनों तक, ये सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत है, तो अगर मैं जिंदा रहा और आप पहुंचे प्रोफेशनल में तो बात करेंगे, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आपको पढ़ाऊंगा सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। वो एक्ट कहता है कि बैंक को आप कहते हैं कि किसी को कर्ज दो, अच्छी बात है, लेकिन ये जरा सोचिए कि किसी भी इकोनॉमी का मेन पार्ट जो है वो आपका क्या है, बैंक है, और अगर बैंक ही आपका क्या हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो क्या ऐसे केस में कोई इकोनॉमी आपका जो है वो ग्रो कर सकता है? कहा नहीं है पॉसिबल। कहा गया तो ऐसे में क्या किया जाए, कहा गया कि बैंक ने जिसको लोन दिया हुआ है, आप एक मैकेनिज्म बनाइए, मुस्कान आप यहां आ जाइए, आगे आ जाइए या उस तरफ जाइए उनके बगल में, कह रहे कि अगर कोई जो है वो बैंक है, अगर वो बैंक ही बेसिकली क्या हो जाता है, अगर वो बैंक ही बैंक करप्ट हो जाता है, तो बताइए इससे जो है क्या ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है इकोनॉमी को? इकोनॉमी में पैसे कहां से आएंगे? बैंक से। अब बैंक के पास ही क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो भला ऐसे केस में कैसे ये किसी और की मदद करेंगे? तो कहा क्या करें, कहा इन्होंने जो लोन दिए हैं वो इनको समय पे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। उसी के लिए एक एक्ट बना दिया। कौन सा एक्ट? सिक्योरिटाइजेशन एक्ट बना दिया। और उसी एक्ट ने बोला है कि अगर 90 दिन के भीतर बैंक का कोई भी किस्त जो आपके ऊपर ड्यू है, अगर वो नहीं जो है वो आपसे आया, तो दिस शैल बी कंसीडर एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने जब आपको कर्ज दिया तो आप बैंक के लिए एसेट हैं। क्या है? एसेट, क्योंकि आपसे बैंक को क्या मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन वही इंटरेस्ट का रकम ड्यू होने के बाद, अगर मान लीजिए कि इस महीने का किस्त 30 तारीख को जाता है, तो 30 तारीख से लेकर के कितने दिन, 90 दिन का समय, अभी आप डिफॉल्ट में आए, आपको बार बार नोटिस देगी कि भाई आपके ऊपर ज्यादा पेनल्टी लगेगा, आप पे कीजिए, लेकिन 90 डेज जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका ये लोन कन्वर्ट हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बैंक को राइट दिए गए कि जिन चीजों पे चार्ज क्रिएट किया गया था या जिन चीजों को कोलैटरल रखा गया था, उनको आप अपने कब्जे में लीजिए, उसको बेच करके पैसे क्या कीजिए, रिकवर कीजिए। यहां पे देखिए बचाव कर रहे हैं हम, किसका बचाव कर रहे हैं, एमएसएमई। एमएसएमई ने भी तो बैंक से लिया, हमने बैंक को बोला दो 90% दो और 10% ये दे रहे हैं, बोला आपने तो बैंक ने तो दे दिया, लेकिन बैंक का ईएमआई तो आना चाहिए। बैंक का ईएमआई नहीं आया 90 दिनों तक, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसको बचाएं या उसको बचाएं, दोनों तो इकोनॉमी का ही पार्ट है। एमएसएमई पहले से ही पैसा लगाया हुआ है, इस बीच में बिजनेस अच्छा नहीं चला, तब ऐसे केस में गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आई और कहा कि अगर आपके हालात बुरे हो गए, आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गए, 90 दिन से ज्यादा हो गए और आपने जो है वो जो किस्त आपके तरफ से जाना था वो नहीं गया, कोई बात नहीं है, हम आपको एक और जो है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको एक और लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट डेट। यानी सबऑर्डिनेट डेट का मतलब एक डेट को बचाने के लिए, ताकि उस डेट के तहत आप इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर कर दिए जाएं। क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब आप अपना बकाया नहीं चुका पाते, अपना लायबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाते, तो इनको जो गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, इनको कहा कि आपको किस्त देना था और इस किस्त मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए का है, हम आपको जो है वो 5,00,000 रुपए और देते हैं, ताकि 5 महीने तक आप लगातार क्या देते रहिए, किस्त देते रहिए, और इधर 5 महीने में अपने आप को क्या कर लीजिए, बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना पोजीशन ठीक कर लीजिए। एमएसएमई ने बोला बस हमें 2 महीने का और टाइम चाहिए, लेकिन 90 डेज के बाद तो एक भी दिन होगा तो आप क्या हो गए, आपके सारी चीजों को रिकवर अटैच कर दिया जाएगा, उसको बेच करके बैंक क्या करेगी, पैसे रिकवर करेगी। वो कह रहे हमने सब कुछ एस्टैब्लिश कर लिया था, बस और अगर 2 महीने मिल जाए तो हमें पैसे आने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्कीम चलाया, इसका नाम क्या पड़ा, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर। मुझे एक चीज बताइए, जो पहले से ही जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है, 90 डेज तक अपना पिछला कर्ज जो है वो नहीं चुका पाया है, पहले से ही कर्ज में, और कौन सा कर्ज नहीं चुका पाया, जो कर्ज उनके ऊपर था वो चुका नहीं पाया, और उसके कितने दिन बीत गए, 90 डेज, क्या बाहर वो न्यूज नहीं आएगा? जब वो न्यूज बाहर आएगा तो कौन सी बैंक अब उनको दोबारा कर्ज देना चाहेगी? कोई भी बैंक नहीं, क्योंकि एक बैंक के आप क्या कहला गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो दूसरा कौन सा बैंक देगा? इसीलिए ये स्कीम बनाना पड़ा, क्योंकि बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको देना होगा।
इसीलिए स्कीम बनाना पड़ा, अदरवाइज कोई स्कीम की जरूरत नहीं थी। अगर आपका क्रेडिबिलिटी अच्छा है तो जैसे हम और आप जाएं अपना सिविल स्कोर दिखलाएंगे तो बैंक हमें कर्ज नहीं देगी, तो बैंक तो बैठी हुई है कर्ज देने के लिए। आपको पर्सनल लोन चाहिए, बस आपका क्रेडिबिलिटी उतना होना चाहिए। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची क्योंकि डिफॉल्ट कर गए, एनपीए में रिकवर हो गए। इसी स्कीम के तहत कहा जाएगा कि इनको जो है वो सबॉर्डिनेट डेट क्या करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर ये स्कीम नहीं बना होता तो बैंक देता नहीं, देता, इसीलिए स्कीम बनाया गया। सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये बेसिकली आपका है कि आजकल जो आप इतने दिन से सुन रहे हैं, हालांकि ये पूरे तरह से अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कि आप कह रहे कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, सुनते भी होंगे। थोड़ा मजाक के टर्म में जो है वो अपोजिशन बोलती है, जब बोल दोनों ही एक दूसरे का काम है, लोकतंत्र है, इसी बात की तो आजादी है। तो कह रहे हैं कि ये जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या कहा गया कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे, ताकि जो है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत हम मैक्सिमम चीजों को अपने लिए बनाएं और बनाने के बाद उसे क्या करें, अपना नीड पूरा करें और इंडिया से बाहर क्या करें, एक्सपोर्ट करें। रादर चीजों को इंडिया में मंगा करके इंपोर्ट कर करके अपना नीड पूरा करने की बजाय क्या करें, जिन जिन चीजों की हमें नीड है हमें वो चीज क्या करनी चाहिए, खुद से बनानी चाहिए। और कोशिश ऐसी हो कि अपने यहां सारे चीजों का जो है वो कंजम्पशन होने के बाद हम उस चीजों को कहां भेजे, इंडिया से बाहर, ताकि हमारे पास और भी ज्यादा फॉरेक्स क्या हो, इकट्ठा हो जाए। द फंड स्ट्रक्चर इज डिजाइन, इसमें जो पैसे उसका यही पर्पस है, कह रहे हैं द फंड स्ट्रक्चर इज डिजाइन इन अ मैनर दैट इट विल लिवरेज, कमी करेगा, सपोर्ट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग ग्रोथ कैपिटल एंड वायबल एमएसएमई। कहा यहां जो पैसे हम इस स्कीम में रखेंगे उनका यही पर्पस रहेगा कि एमएसएमई को और क्या बनाना, स्ट्रांग बनाना, ताकि वो जो है वो हमारे स्ट्रांग इकोनॉमी का पार्ट बन सके। इंडिया हैज एम्बार्क्ड अपॉन द पाथ ऑफ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अचीविंग इट्स एस्पिरेशन टू बिकम द इकोनॉमिक सुपर पावर। ठीक है, बाकी कहानी की बातें हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन ये चीज तभी पूरा होगा जब आप किसको सपोर्ट करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। एमएसएमई संबंध, संबंध का मतलब हो गया कि एक ऐसा जगह जहां से दो लोग जुड़ सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, संबंध। तो कह रहे हैं कि ये हम एक पोर्टल बना रहे हैं और इस पोर्टल के जरिए हम कनेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड संबंध, यानी कि कनेक्शन करने का काम। कहा कहां से, कहा कि हमने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम दिया पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। कहा इससे क्या होगा, कहा इससे होगा ये कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि जितने भी चीजों का ये प्रोक्यूरमेंट करते हैं उसमें से 25% ये मिनिमम है या मैक्सिमम, मिनिमम, कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट अलग अलग चीजों को खरीदते हैं, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट सारा चीज खुद नहीं बनाती लेकिन गवर्नमेंट को हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहा गवर्नमेंट चाहे जो है वो चेयर खरीदे, चाहे वो हैंडलूम का चीज खरीदे, चाहे खाने का चीज खरीदे, चाहे जो है वो बिल्डिंग मटेरियल खरीदे, चाहे कोई भी सामान खरीदे, बोला कि गवर्नमेंट जो प्रोक्यूरमेंट करती है इसका कम से कम 25% गवर्नमेंट किससे खरीदे, एमएसएमई से। उनके लिए एक बड़ा मार्केट नहीं मिल जाएगा। देखिए, सामान बनाना और उसे बेचना दो अलग अलग चीज है। बहुत बढ़िया से आप सामान बना रहे, एमएसएमई है, पैसा मिल गया बैंक से, दिला दिया आपको प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट स्कीम के तहत, और आपने चीजों को बना दिया, बना करके भर दिया, अब उसे बेचना भी तो होगा। कहा कि सबसे अच्छा तो ये हो कि कुछ प्रोक्यूरमेंट स्कीम के तहत गवर्नमेंट ले ले। तो इन्होंने बोला कि कम से कम गवर्नमेंट अपने जरूरत का कम से कम कितना ले। कहा बाकी लोग को तो जो लेना हम इनकरेज करेंगे, लेकिन उसमें से भी कहा कि इस 25% में से 4% जो है वो कम से कम किससे ले, उस एमएसएमई से जिसके मालिक क्या हैं, और 3% कम से कम किनसे ले जिसके मालिक क्या हैं। तो देखिए 25 में से 7% इनके लिए रिजर्व किया। अब आपके लिए मार्केट खुद ब खुद गवर्नमेंट नहीं बना दिया कि गवर्नमेंट को जरूरत होगी, और अगर आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं और आपने जो है वो ब्रेड बटर जैम कुछ भी, या फैन या छोटे छोटे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाए या सीलिंग फैन वगैरह, गवर्नमेंट को अगर कोई अपने जगह पे लगाना है तो अगर वो पंखा मंगाएगी 100 तो उसमें से 25 कहां से मंगवाने हैं, मिनिमम एमएसएमई से। और उस 25 में से भी बोला गया कि आप क्या करें, 4% जो है वो एससी एसटी से और 3% किससे मंगाएं,
अब कहीं ना कहीं इससे जो है वो आपका पोजीशन अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस का पोजीशन तो एक ही चीज से अच्छा होता है कि फंड रहे और प्रोडक्ट बिके। तो फंड तो आपको वो दे ही रहे हैं और प्रोडक्ट भी खुद ही खरीद ले रहे हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल, जब इतने सारे स्कीम दे दिए गए, अब ये कोई जो है वो स्कीम नहीं है। कहा गया कि अब बात आती है दुख दर्द की। कहा कौन सा दुख दर्द? कहा इतना चीज देने के बावजूद भी किसी तरह से या तो इन्होंने किसी को सामान सप्लाई किया, समय पे पैसे नहीं मिले, या और भी किन्हीं से इन्हें किसी भी तरह की क्या हुई, दिक्कत हुई। तो बोला हम अपनी फरियाद लेकर के कहां जाएं? क्या हम हर बात के लिए कोर्ट जाएं? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है जहां पे हम एडवोकेट को हायर करें और वो हमारा केस क्या करे, फाइल करे। अगर इतना होता तो हमारे बारे में आपको इतना सोचना ही पड़ता। तो कहा कोई बात नहीं है, जब हमने आपको इतना स्कीम प्रोवाइड किया है तो हम एक और भी, जैसे हमने नेशनल बोर्ड बनाया था जो आपके डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तो हमने बना दिया एक कौन सा चीज, फैसिलिटेशन काउंसिल। वो आपके डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फंड अरेंजमेंट के बारे में गवर्नमेंट को बताएगा। और इनका काम है कि अगर आपके साथ कोई जाती हुआ, आपको कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो आप कहां पे आइए, फैसिलिटेशन काउंसिल। ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया गया, ये एरिया वाइज बनाया गया। अगर किसी जगह बहुत ज्यादा एमएसएमई है तो वहां पे आपको मल्टीपल दिखेंगे क्या, फैसिलिटेशन काउंसिल। हो सकता है कि कुछ एरिया में बहुत कम एमएसएमई हो तो उस एरिया में फैसिलिटेशन काउंसिल बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक होगा। मान लीजिए कि अगर उत्तम नगर में बड़े सारे एमएसएमई, तो सिर्फ उत्तम नगर के लिए एक फैसिलिटेशन काउंसिल हो। लेकिन अगर जो है कोई दूसरा एरिया हो गया, मान लीजिए जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट, रजौरी गार्डन, इन सब में जो है वो बहुत कम एमएसएमई, तो इन सारे जगहों को मिलाकर के बोलेंगे एक हमने क्या बना दिया, फैसिलिटेशन काउंसिल। और कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो जो जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट या रजौरी गार्डन, बोला कि इन तीनों एरिया में जितने भी एमएसएमई है उनको अगर दिक्कत होगा तो इसी फैसिलिटेशन काउंसिल में आएंगे, लेकिन उत्तम नगर इलाका में जितने भी हैं उनको इस फैसिलिटेशन काउंसिल में आना पड़ेगा, ताकि किसी भी फैसिलिटेशन काउंसिल पे अनरीजनेबल बर्डन ना पड़े। अब यहां पे बात आती है कि ये फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो क्या काम करेंगे और इस फैसिलिटेशन काउंसिल में कौन से महान आत्मा विराजेंगे, यानी कि यहां पे कौन कौन से लोग इसके क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। तो देखिए यहां द काउंसिल शैल कंसिस्ट, कितने, कम से कम और मैक्सिमम 5। कहां से ये चुनेंगे, ये 3 और 5 की संख्या। कहा 3 से कम नहीं और 5 से, लेकिन वो इन्हीं में से होंगे। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमएसएमई, यानी कि डायरेक्टर लेवल पे ये हैं और इनका जो है वो एक्सपोजर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव। याद रखिए यहां एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही करना है, किसी ने आपके पैसे नहीं दिए, किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया। 1 or more office bearer और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ वॉट, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री इन द स्टेट, यानी इनके जो यूनियन जो बने हुए हैं उनमें से कोई और पर्सन हो, ताकि वो बात को क्या कर सके, सही तरीके से समझ सके। 1 or more representative ऑफ कहां से, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडिंग। रीजन ये है, इन्हीं लोगों से पैसे लिए होंगे, पैसे चुका नहीं रहे होंगे, वो आपके ऊपर जो है वो नोटिस भेज रहे होंगे कि हम आपके चीजों को अटैच कर देंगे, उन चीजों को बेच लेंगे, ये सब शिकायत का ही ग्राउंड है। तो बोला यहां भी लोग रहेंगे ताकि वो समझ सके कि बैंकिंग लॉ इस बारे में क्या कहता है, क्या हम यहाँ लिबरल हो सकते हैं या हमें स्ट्रिक्ट रहना होगा। 1 or more person हैविंग स्पेशल नॉलेज, किस फील्ड में, इंडस्ट्री, फाइनेंस, लॉ, ट्रेड और कॉमर्स। तो देखिए ये सारे के सारे वो रेलिवेंट लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसी जो है वो एमएसएमई का क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं। मैंने करवा लिया इन्वर्टर पे सारे लाइट्स, जिससे रिकॉर्डिंग नहीं रुकेगी। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू फैसिलिटेशन काउंसिल, फैसिलिटेशन काउंसिल है क्या वो देखा, इसमें कौन कौन से लोग होंगे वो देखा। अब जरा देखते हैं कि ये काम क्या करते हैं। कहा कि अगर किसी को किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा है, डिस्प्यूट है, किसी भी अमाउंट को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के, तो आप काउंसिल को रेफरेंस दें। यानी आपने फैसिलिटेशन काउंसिल को बताया, जब आपने फैसिलिटेशन काउंसिल को बताया तो फैसिलिटेशन काउंसिल जो है ये कंसीलिएशन करके, यानी कि समझौता कराने की पहले कोशिश करेंगे, पहले ये जो है वो एजुडिकेशन में नहीं जाएंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं। याद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वहां पे हमने पढ़ा था कि
पार्ट बी में हमने पढ़ा था कि अगर जो है वो दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बदल जाता है, यानी कि इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो कहा गया कि वहां भी पहले सीधा का सीधा लेबर कोर्ट नहीं जाते थे, बल्कि वहां भी कहां जाते थे, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। तो यहां भी बोला कि पहले समझौता कराएंगे, और कंसिलिएशन का मतलब होता है दोनों पक्ष अगर एग्री है तो वो कंसिलिएशन वैलिड होगा। अगर दोनों में से कोई भी बोल दे मुझे मंजूर नहीं है, तो वो कंसिलिएशन सक्सेसफुल नहीं होगा। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी मामला बहुत लंबे लिटिगेशन में कोर्ट में ना चला जाए, तो उससे पहले समझौता की कोशिश की गई। पहले कोशिश कौन खुद करेंगे, फैसिलिटेशन काउंसिल ही करेंगे। अगर ये नहीं करवा पाते हैं तो ये किसी इंस्टीट्यूट की मदद भी ले सकते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट है किस चीज में, कंसिलिएशन में, कि भाई देखिए हमें थोड़ा कम एक्सपर्टीज है, आप करा सके तो करा दे। अगर उनसे भी जो है वो ये चीज नहीं हो पाया, तब जो है वो मामला जो है वो आर्बिट्रेशन वगैरह में जाएगा। और कहा गया कि जितने भी डिस्प्यूट होंगे, अगर ये किसी भी तरीके से मामला जो है वो गया इनके पास एजुडिकेशन में, तो कहा कुछ भी कीजिए, लेकिन कितने दिन में डिस्प्यूट को खत्म कीजिए। यहां 90 डेज में ना पुलिस चार्जशीट भी तैयार नहीं कर पाती है, तो कानूनी कार्रवाई तो तब होगा जब चार्जशीट पहले क्या होगा, फाइल होगा। और यहां 90 डेज में इनको क्या कर देना है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देना है। ऐसा इसीलिए, तभी तो एमएसएमई को प्रमोशन मिलेगा। जरा सोचिए, अगर हम जो है वो कोर्ट की बात करें, तो कोर्ट में जब आप जाते हैं तो कोर्ट को कहीं नहीं बोला हुआ है कि ये केस इतने दिन में क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो। यही तो एक खास बात है कि सिर्फ कोर्ट को ही नहीं बोला हुआ है कि ये काम कितने दिन में कर लेना है, और कोर्ट सबको कहते रहती है, गवर्नमेंट को, कि ये रिपोर्ट इतने दिन में सबमिट करो, ये जांच आयोग इतने दिन में बैठाओ, ये जांच जो है इतने दिन में पूरे करो। लेकिन उनको कोई नहीं कहता है कि आपको इतने दिन में फैसला क्या करना है, सुना देना है। मैं ये कोर्ट की तौहीन नहीं कर रहा हूं, जो मैंने एनालिसिस पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, वो मैं आपको क्या कर रहा हूं, सुना रहा हूं, ताकि जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में ना आए। कह रहे द काउंसिल शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू एक्ट एज व्हाट, अच्छा आर्बिट्रेटर का फैसला मानना पड़ता है या नहीं, कंसिलिएटर का, कंसिलिएटर का मर्जी है। मान लिया आप दोनों पक्ष ने मान लिया तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो आर्बिट्रेटर जो बोलेगा वो आपको मानना ही पड़ता है। कह रहे हैं इन अ डिस्प्यूट बिटवीन सप्लायर लोकेटेड विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, बायर लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया। इसका क्या मतलब है, ये सबसे पहले जब कंसिलिएशन काउंसिल आपको बताया था, उस समय मैंने ये वर्ड यूज किया था। देखते हैं कितना याद है, क्या मतलब है इस लाइन का। यहां पे साफ यही चीज कह रहे, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, कि एमएसएमई, हर एमएसएमई, हमने यही तीन एरिया में बोला, एक जो है वो फैसिलिटेशन क्या हो गया, काउंसिल हो गया। तो कहा कि अगर आप जो है वो उत्तम नगर फैसिलिटेशन काउंसिल के भीतर के एमएसएमई हैं, तो आप वहां पे जाइए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो सामान बेचा है वो बैंगलोर में गया हुआ है या फिर वो है दिल्ली के ही किसी पार्ट में गया हुआ है। तो कह रहे हैं कि सप्लायर लोकेटेड होना चाहिए किनके, इनके, और यही सप्लायर तो एमएसएमई में हुए, हमने पढ़ा है वो माइक्रो और स्मॉल एंटर। देखिए कितना फायदा होता है सप्लायर बनने से, क्या मेमोरेंडम फाइल करना सबके लिए कंपलसरी है, मेमोरेंडम सारे एमएसएमई के लिए कंपलसरी है, नो, ये कंपलसरी किसके लिए है, सिर्फ एक मीडियम, और वो भी कौन, बस मैन्युफैक्चरिंग, बाकी के लिए कंपलसरी। लेकिन अगर बाकियों ने फाइल किया है तो उसको क्या स्टेटस मिल जाएगा, सप्लायर। और अगर सप्लायर का स्टेटस मिल गया तो उनका भी पैसा अगर किसी ने दबा लिया, उनके भी चीज अगर नहीं आए तो उनको भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी कौन है, फैसिलिटेशन काउंसिल है, जहां आप जाकर के चीजों को क्या कर सकते हैं, रिड्रेस कर सकते हैं। नो एवरी डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड विद इन हाउ मेनी डेज, 90 डेज। कह रहे हैं कि नो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एनी डेक्री, अगर मान लीजिए कि कोई फैसला आ गया और फैसला ये आया कि फलाने पर्सन ने सप्लायर से 1 करोड़ का सामान लिया था, सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला करके 1 करोड़ उनको देना पड़ेगा। अब देखिए ये 1 करोड़ जिनको देना है उनको शिकायत हो गई, वो इसको चैलेंज करना चाहते हैं, सप्लायर को तो पैसा मिलना चाहिए,
जिनको इन्होंने बेचा था वो कहते नहीं ठीक है हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन पैसे जो नहीं दिए उसके पीछे वजह यह था सामान ऐसा था वैसा था या इंटरेस्ट इतना नहीं बनता है। तो कहा गया कि आपकी कोई भी बात सिर्फ और सिर्फ तब सुनी जाएगी कि एक बार हमने फैसला सुनाया ना कि 1 करोड़ आपको देना है, तो पहले 75 करोड़ रुपया जमा, 75 लाख रुपया क्या करो, जमा करो, और उसके बाद हम आपके अपील को एंटरटेन करेंगे। फिर से सुनिए, एमएसएमई सप्लायर था, उन्होंने किन्हीं को सामान बेचा था, उनका पैसा नहीं मिला, एजुडिकेशन हुआ, 90 डेज के भीतर फैसला सुनाया गया, और फैसला में सुनाया गया कि एक्स वाई जेड नाम के एमएसएमई को 1 करोड़ रुपया एबी लिमिटेड प्रोवाइड करेगा। एबी लिमिटेड कहता है ये अन्याय है, हम अपील में जाना चाहते। कहा मोस्ट वेलकम, जाइए अपील में, लोकतंत्र है, आपको राइट है, लेकिन उस अपील में जाने से पहले, क्यों वो अपील में जाती है, कहती है कि मेरा पैसा थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन इतना पैसा इंटरेस्ट का नहीं बनता, ये ओवर एक्सेस फाइन आपने हमारे ऊपर लगा दिया। कहते कोई बात नहीं, पहले 75 लाख क्या करो, जमा करो, तब हम आपके चीजों की सुनवाई करें, यानी जितना आपके ऊपर हमने जो है वो ऑर्डर दिया था, जो डेक्री सुनाया था या हमने आर्बिट्रेशन के तहत अवार्ड दिया था, तो उसका कितना परसेंट, 75। अब देखिए कितनी बड़ी राहत की बात है, किनके लिए, और एमएसएमई में किसके लिए, अगर आपका स्टेटस क्या है, तभी मैंने बोला था कि लॉ ने बोला कि देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग मेमोरेंडम फॉर होम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे क्या हो, चाहे वो आपके जो है वो सर्विस वाले हो, लेकिन अगर आपने फाइल कर दिया तो आपको स्टेटस किसका मिल गया, आपको स्टेटस जो है वो मिल गया सप्लायर का, और आपको ये इतना बड़ा डिफेंस मिल जाएगा। एक तो पहले आपके लिए मैकेनिज्म हो जाएगा, और दूसरा आपके पैसे की जल्दी क्या होगी, रिकवरी, आपको कोर्ट के प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं होगी, कोर्ट के प्रोसेस में जाएंगे खर्च आप करेंगे, यहां पे आप एक भी पैसे खर्च नहीं करें, बल्कि गवर्नमेंट आपके लिए तैयार है, गवर्नमेंट ने आपके लिए फैसिलिटेशन क्या बना दिया है, काउंसिल बना दिया है जो आपके लिए इस काम को करेंगे। आइए ये सारा कुछ किसके बारे में, एमएसएमई के बारे में। तो एमएसएमई में हम लोगों को जिन जिन चीजों को जानना है, देखिए पहला चीज एमएसएमई का जो हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, वो क्राइटेरिया आपके ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में या शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखा था, उन सब प्रोसेस को आपको जो है वो याद रखना है, क्योंकि अगर वो प्रोसेस 4-5 मार्क्स का पूछा तो आपको 5-6 लाइन में ही क्या करना है, स्टेप में आंसर दे देना है। जितने भी तरह के आप इसमें क्या देख रहे हैं, जितने भी तरह के आप इसमें जो है वो देख रहे हैं स्कीम, ये स्कीम में थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और वो मेहनत ज्यादा ये कि उसका क्या याद रखना पड़ेगा, नेम याद रखना पड़ेगा। और फिर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपने चीजों को ठीक से सुना है तो यकीन मानिए जब भी आपको इन चीजों का रिविजन करना रहेगा, और इन चीजों का रिविजन सबसे ज्यादा हमें एग्जाम में लास्ट में करना रहता है, रीजन ये है कि ये अभी आप फिर पढ़ लेंगे ना नाम, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें समझने वाला चीज याद रह जाएगा कि भाई किसी स्कीम में 5% एससी एसटी देते हैं, 10% जनरल पीपल, 90% और 95% बैंक दे देता है, ये आपको याद रह जाएगा। अगर एक बार लोन खत्म हो गया है फिर और चाहिए तो सेकेंड में हो जाएगा, हम जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे तो भी हमें ये सब बातें याद रहेगा कि ये किसी न किसी स्कीम में था लेकिन उसका नाम क्या था। तो इसको हमेशा कब याद रखिए, एग्जाम के रात में इसका रिवीजन जरूरी रहता है। तो अभी सुना हुआ है तो अभी रिवीजन बस इसी तरीके से कीजिएगा कि अभी रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि इसी स्कीम के तहत ये होता है, किस स्कीम के तहत, कोई भी स्कीम अगर है तो इसी स्कीम के तहत ये प्रोवाइड होता है, इस पे उतना ज्यादा फोकस देने की जगह लगातार रिवीजन क्या करते रहिएगा कि एक स्कीम के तहत ये फैसिलिटी है, नहीं याद अभी याद कीजिएगा फिर भूलिएगा, लेकिन ये लगातार किस चीज को रिवाइज कीजिए कि किसी एक स्कीम जिसका नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, नहीं रहेगा ये नाम याद, लेकिन इस स्कीम के तहत सारी बातें क्या है कि ये एग्जिस्टिंग के लिए भी है और किसके लिए है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, 18 साल से उम्र क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इसमें जो है वो 10%, 90%, 5%, 95% ऐसे मिलता है, ये ऐसे अगला स्कीम रहेगा तो इस स्कीम में ये चीज होता है, और अगर ये छोड़ दीजिएगा तो एग्जाम के समय फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो एग्जाम में छूट जाएगा। तो एक प्रैक्टिस लगातार, और उसमें आपको आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, हाँ स्कीम के तहत ये होता है, हाँ जब नाम याद रखना पड़ता है ना कि इसी में ये है तो ज्यादा एफर्ट लगता है। वो हम लोग कब कर लेंगे, लास्ट में उसमें बता दूंगा कि कौन से वाले स्कीम का नाम क्या रखिएगा, याद रखिएगा, लेकिन अभी सारा स्कीम आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए फिलहाल
आज की चलिए सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।